आज की इस परिचर्चा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश नाथ झा जी, जो कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के प्रोफेसर हैं स्कूल फॉर संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, वो हमारे साथ यथा समय जुड़ चुके हुए हैं और प्रतिभागी भी धीरे धीरे जिस तरह से अपनी सुविधा के अनुसार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं समझता हूं कि सही वक्त पर हम अपना कार्यक्रम आरंभ कर लें तो ज्यादा उचित रहेगा। सभी के लिए समय और विचार दोनों का समन्वय युक्ति संगत रहेगा। आप सभी से इससे पूर्व कि मैं मुख्य वक्ता का परिचय आप लोगों से विशेष रूप से करवाऊं, उससे पूर्व मैं एक दो बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। आप जो इस वक्त अपनी स्क्रीन देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर लेफ्ट मेरे लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं उसमें दो विषय हैं जिनके विषय में मेरा एक काफी देर से प्रयास है, लेकिन मेरी उसमें कोई ना मैं उसमें विकसित हो पा रहा हूं ना उसमें मुझे कोई विषय की ज्यादा समझ आ रही है। और फिर परंपरा में ऐसा ही मैंने देखा और सुना है कि जब जिस विषय की आपकी गति रुक जाती है और समझ में नहीं आता तो या तो आप उस विषय के विद्वान के पास जाएं और जाकर के उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करें कि आप हमें ये ज्ञान दें और हमारे विषय के बारे में जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप दूसरों को विद्वानों को आमंत्रित करें कि वो आकर के जो है वो आपको ज्ञान प्रदान करें, आपका दिशा निर्देश करें। तो ये वेबिनार्स और सेमिनार्स लगभग इसी तरह की स्थिति है कि स्वयं जाना तो अब संभव नहीं हो पाता, लेकिन विद्वानों को हम आमंत्रित कर पाते हैं। परंपरा का जो दूसरा भाग है कि जहां पर आप विद्वानों को बुलाते हैं, और इसका जो आपको आधार मिलता है वो आधार मिलता है राजा जनक के पास, जहां पर वो अक्सर विद्वानों को बुलाते थे और चर्चा ज्ञान चर्चा करते थे, दिशा निर्देश लेते थे आदि आदि। तो मैं जो भी चर्चा करना चाहता हूँ, जो भी अपना पक्ष रखना चाहता हूँ, वो कभी भी संस्कृत के बाहर जाकर के नहीं रखना चाहता, लेकिन संस्कृत को बहुत व्यापक रूप में उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ एक विकल्प के रूप में, चाहे वो विज्ञान है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, चाहे वो सोशल साइंसेस है, चाहे वो कुछ और है। तो एक विकल्प के रूप में संस्कृत को प्रस्तुत करने के लिए आपको और हम लोगों को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। जो हम पिछले लगभग 70 वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं और जिस रूप में उसको प्रस्तुत करते आ रहे हैं उसने कई तरह की कठिनाइयां हमारे सामने पैदा की हैं। तो उस विषय में मैं अभी बात में आता हूं, लेकिन उससे पूर्व जो मैं स्क्रीन पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था अपनी समस्या, जिसकी वजह से मैंने डॉक्टर साहब से बड़े विनम्रता पूर्वक निवेदन किया और उन्होंने इस मेरी बात को स्वीकार किया और मेरे संशयों का निवारण करने के लिए उन्होंने हामी भरी। मुझे ये तो समझ में आ रहा था कि कंप्यूटर्स फॉर संस्कृत का यूज कैसे करना है, प्रोग्रामिंग भी मैं देख रहा था, उसकी प्रेजेंटेशंस भी देख रहा था और कई तरह की चीजों को मैंने देखा कि किस तरह से कंप्यूटर्स जो हैं वो संस्कृत के लिए उपयोगी हो सकते हैं, छात्रों के लिए भी और संस्कृत के अध्यापकों के लिए भी, और किस तरह से हम पूरी की पूरी संस्कृत के जो शास्त्र हैं या और संस्कृत के जो विषय हैं उनको हम कंप्यूटराइज कर सकते हैं तुरंत रिजल्ट्स लेने के लिए। लेकिन इस विषय से मेरी पर्याप्त संतुष्टि नहीं थी। दूसरा पक्ष ये था कि संस्कृत फॉर कंप्यूटर्स का क्या मतलब हुआ, संस्कृत कहीं कंप्यूटर की डेवलपमेंट में सहयोगी हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी मुख्य सफलता तभी हो पाएगी जब संस्कृत को हम कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग के लिए या लैंग्वेजेस के लिए हम कभी उपयोग में ला सकें। और जो मैंने डॉक्टर साहब से सीखा था बहुत वर्ष पूर्व, जो आप ये बीच में देख पा रहे हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, कि वेस्टर्न थ्योरीज को क्या हम न्याय व्याकरण मीमांसा और साहित्य शास्त्र के द्वारा कभी रिप्लेस करने की सोच सकते हैं, ताकि टेक्नोलॉजी का सीधा संबंध किससे हो, संस्कृत से हो। क्या हम बेसिक एल्गोरिदम्स जो हैं क्या वो हम न्याय व्याकरण मीमांसा के आधार पर डेवलप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते,
क्या हम कोर्सेज में उन एल्गोरिदम्स को अगर बना पाएं तो क्या हम वहां पर ला पाएंगे कि नहीं, तभी सिनेरियो जो है वो बदलेगा। अन्यथा हम कंप्यूटर को तो संस्कृत के लिए उपयोग में ले आएंगे, ला ही रहे हैं, लेकिन संस्कृत को कंप्यूटर्स के लिए कैसे उपयोग में लाएंगे ताकि वो सुप्रतिष्ठित हो, उस वो सुसंपन्न हो और समृद्ध हो, ये बात मेरे मन में खटकती रही है। तो इसी वजह से मैंने डॉक्टर साहब से दिशा निर्देश लेने के लिए उनसे आग्रह किया था और उन्होंने इसको स्वीकार किया है। इससे पूर्व कि मैं आप लोगों से और बात करूं, मैं डॉक्टर साहब का परिचय उन सभी व्यक्तियों से कराना चाहूंगा, प्रतिभागियों से, जिनको पता नहीं है और जिनको पता है उनको भी दोबारा जानने के लिए कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी इस तरह की अचीवमेंट्स के लिए कितना आपको इनपुट करना पड़ता है तभी उसका आउटपुट आता है। तो उसका एक छोटा सा परिणाम आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने एमए लिंग्विस्टिक्स पहले तो किया दिल्ली से, फिर एमफिल भी किया लिंग्विस्टिक्स में, पीएचडी लिंग्विस्टिक्स मशीन ट्रांसलेशन में किया, और फिर दोबारा से नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस यूनिवर्सिटी ऑफ इलियंस जो है यूएसए से उन्होंने किया। और एरियाज ऑफ इंटरेस्ट और स्पेशलाइजेशन जो रहा है उनका, इंडियन लैंग्वेजेस कॉर्पोरा एंड स्टैंडर्ड्स, संस्कृत हिंदी, लिंग्विस्टिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन संस्कृत टेक्स्ट, ये कितनी सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। मैं समय ताकि बचाना चाहता हूँ, इसलिए आप साथ साथ उसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप देखिए कि एक संस्कृत का व्यक्ति जो है उसके कितने आयाम हैं और कितनी उसकी सुप्रतिष्ठा होगी जितना व्यापक उन्होंने काम किया है, और उनके जो अनुभव रहे हैं, डीन रहे हैं स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडियन स्टडीज के, डायरेक्टर इंटरनेशनल कोलेबोरेशन के वो डायरेक्टर रहे हैं और चेयरपर्सन भी रहे हैं स्पेशल सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज JNU में, और कंकरेंट फैकल्टी हैं सेंटर फॉर लिंग्विस्टिक्स में। इसके अतिरिक्त उनकी जो उपलब्धियां हैं, एक तो वो हैं और उसके साथ साथ उनकी उपलब्धियां जो हैं वो उनको KECSSS फेलिसिटेशन अवार्ड 2016 में मिला, जब उन्होंने शारदा स्क्रिप्ट को जो है कश्मीरी फाउंडेशन के साथ मिलकर के जो है इसको रिवाइव किया। डैट फेलोशिप जर्मनी से उनको मिली है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के लिए। एडिटोरियल बोर्ड जो स्प्रिंगर का है, जहां पर वो स्वयं कितने सारे ऐसे लोगों का मूल्यांकन करते हैं कंप्यूटेशनल कंप्यूटर साइंटिस्ट के पेपर्स का, ये तो मैंने खुद अपने प्रत्यक्ष इस चीज को देखा है। तो एक संस्कृत का व्यक्ति के की सीमाएं के आयाम कितने व्यापक हैं, इस बात को हम जाने ताकि हम इस से उत्साहित अनुभव कर सकें। इसके अतिरिक्त उनके कितने सारे इंटरनेशनल कोलेबोरेशन हैं, कंसल्टेंसीज हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि सामान्य रूप से संस्कृत के लोग इस तरह की बात सोच भी सकते हैं। नुएंस कम्युनिकेशंस कंसल्टेंसी फॉर मोबाइल कीबोर्ड फॉर इंडियन लैंग्वेजेस, स्विफ्ट की कंसल्टेंसी फॉर मोबाइल फोन्स प्रेडिक्टिव कीबोर्ड फॉर माइनर इंडियन लैंग्वेजेस, कितनी सारी उपलब्धियां हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़े हुए माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया लैब बेंगलोर फॉर द POS टैगिंग जो है फॉर इंडिक लैंग्वेजेस आदि आदि बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अब सीधे हम विषय पर आते हैं। विषय में दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक तो है संस्कृत शास्त्र जिससे आप लगभग सभी लोग परिचित हैं, उसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुन के जरूर हमें लगता है कि ये तो चिर परिचित सामान्य अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पे जब आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल को जिस तरह से परिभाषित किया जाता है वो क्या है, आर्टिफिशियल इज दैट ऑब्जेक्ट दैट आर मेड और प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग्स रादर देन अकरिंग नेचुरली। और इंटेलिजेंस क्या है, सिंपल वर्ड्स, इंटेलिजेंस इज प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एनेबलिंग टू रिजॉल्व जेन्युइन प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज दैट आर एनकाउंटर्ड इन डेली लाइफ। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये है कि मशीन को किस तरह से हम सोचने के योग्य बना सकते हैं, उसको अनुभव करने के योग्य बना सकते हैं। इसलिए मैं इसमें भी अभी ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन चार मुख्य रूप से उसके पक्ष आपको दिखाई देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और
पहला है कि थिंकिंग ह्यूमैनली जो है कि क्या हम मशीन को इस तरह से डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं संस्कृत शास्त्रों के आधार पे कि वो ह्यूमैनली थिंक करे और ह्यूमैनली एक्ट करे। आप पढ़ सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि वो बार बार रीड करने का कोई लाभ नहीं है। दूसरा जो उसका पक्ष है थिंकिंग रैशनली, क्या मशीन्स को हम रैशनली थिंकिंग के योग्य बना सकते हैं और फिर एक्टिंग रैशनली जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह में आप देखते हैं। तो ये चार पक्ष आप लोगों के सामने हमारे आते हैं। अब आगे की बात थोड़ा सा और देख लें क्योंकि ये एक पक्ष था जिसको डॉक्टर साहब ही ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं क्योंकि हम तो एक सतही सी बात ज्यादा समझते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों से पहले बात कर रहा था कि या तो हम वेस्टर्न थ्योरीज प्लस इंडियन थ्योरीज को आपस में मिलाएं, अपनी जगह बनाएं उन वेस्टर्न थ्योरीज में उस प्रोग्रामिंग की फील्ड में, या फिर उनको रिप्लेस करने की हम हिम्मत करें, और शायद हम लोगों में बहुत कम है। लेकिन अगर मिलाने की ही संभावना है तो उसमें हमें ये देखना होगा कि व्याकरण, न्याय, मीमांसा और साहित्य शास्त्र जो है क्या वो नए पैराडाइम्स जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ संस्कृतज्ञों को जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हमें परिचित करवाने पड़ेंगे कि कंप्यूटर बेसिकली काम कैसे करता है। तो ये मुख्य रूप से कुछ एक बातें थी, तो इसलिए पाणिनि के संगणकीय विचार इसको हम पकड़ें, लेकिन पकड़ें किस तरह से कि जिससे कि वो कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है वो उनका उपयोग करे, मीमांसा शास्त्र की जो विश्लेषण प्रक्रिया है उसको देखें लेकिन इस तरह से उसको प्रस्तुत करें कि वो कंप्यूटर साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट करे जब उसकी एम्बिगुटी की प्रॉब्लम आती हैं कि कंप्यूटर साइंस में जब एम्बिगुटी को हैंडल किया जाता है नव्य न्याय की औपचारिक भाषा प्रक्रिया और साहित्य शास्त्र में अर्थ निर्धारण। तो कुल मिलाकर के ये सारा काम करना कैसे है उसके दिशा निर्देश आज हम लेने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैंने अपनी ओर से ये आप लोगों के साथ ये अपनी बात, अपनी समस्याएं आप लोगों के साथ शेयर की हैं कि कुल मिलाकर के ये चीजें हैं जो हम जानना चाहते हैं। और इससे पूर्व कि मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूं, एक छोटी सी कहानी दो पंक्तियों की पंचतंत्र से मैं सभी प्रतिभागियों से जो संस्कृत के लोग हैं और जो संस्कृत के प्रति एक आदर भाव और मित्रता का भाव रखते हैं, सहृदयता उनकी है कि पंचतंत्र में कहानी आती है कि एजुकेशन नाम का एक बहुत बड़ा तालाब था और उसके किनारे पर एक दिन टेक्नोलॉजी और बिजनेस वाले धीवर आ गए मछलियां पकड़ने वाले। तो उनमें जो तीन मछलियां थी उन्होंने जब उनकी बात को सुना कि इसमें से हम जो है मछलियों को पकड़ेंगे, तो उसमें जो तीन मछलियां थी अनागत, विधाता, यद भविष्य और प्रत्युत्पन्नमति नाम की तीन मछलियां थी संस्कृत की। उसमें से अनागत विधाता ने तो उनकी बात सुनकर के विचार किया कि मुझे भविष्य में क्या करना है, वो अपनी उस योजना के अनुसार अगले दिन आने से पूर्व ही दूसरे तालाब में चला गया और उसने अपना अपनी सुरक्षा का और अपने विकास का प्रबंध कर लिया। यद भविष्य जो था अगले दिन उसने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, तो वो अगले दिन जब वो आए उन्होंने जाल फेंका और उसमें वो पकड़ा गया और वो मारा गया, जो इस वक्त स्थिति हमारी हो रही है संस्कृति विभिन्न विश्वविद्यालयों में। और तीसरा प्रत्युत्पन्नमतित्व, जो प्रत्युत्पन्नमति नामक जो संस्कृत की मछली थी उसने जाल में जब वो फंसी तो इस तरह का अभिनय किया कि जैसे वो मर गई है, तो जैसे ही उन्होंने जाल रखा और तुरंत छलांग मार करके दोबारा पानी में घुस गई। तो इन तीन तरह की मछलियों में से आप कौन सी मछली हैं ये आपने निर्णय करना है, ये आपने देखना है कि आप इसको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। इस वक्त जो संस्कृत की स्थिति है, क्या अनागत विधाता के रूप में, यद भविष्य के रूप में या प्रत्युत्पन्नमति के रूप में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के मुख्य वक्ता का स्वागत करता हूं, आप सभी का, आप सभी के प्रति आदर भाव व्यक्त करते हुए उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी प्रेजेंटेशन हमारे साथ साझा करें, हमें दिशा निर्देश दें। और कृपया दोबारा आग्रह कर रहा हूं कि प्लीज बीच में ना तो माइक ऑन कीजिएगा और साथ ही ना स्क्रीन शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, सब लोग सुन रहे हैं मुझे? जी सर, यू आर लाउड एंड क्लियर। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी सर।
आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, संस्कृत में दो पहलू हैं। एक तो जैसा कि उन्होंने बताया, संस्कृत कंप्यूटर के लिए, और दूसरा है कंप्यूटर संस्कृत के लिए, जो सारी भाषाओं में होता है कि कंप्यूटर कैसे संस्कृत का विकास या अन्य भाषा का विकास कर पाएगा। लेकिन संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें ये बात भी है कि वो कंप्यूटर की कैसे मदद कर सकती है। तो हम जो ये पहलू है कि संस्कृत कैसे कंप्यूटर की मदद कर सकती है, उस पर चर्चा करेंगे। और ये बात होती है कि कृत्रिम प्रज्ञान जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, बहुत से लोगों ने कहा है कि संस्कृत ने प्रभावित किया है इसको। तो वो देखेंगे वो कौन सी ऐसी बात है कि जिसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो विषय है संस्कृत और एआई, इसकी मैं रूपरेखा प्रस्तुत करूंगा, और ये आशा करूंगा कि आपकी जो मौलिक संकल्पनाएं हैं इस विषय में वो स्पष्ट होंगी, और जो छात्र और अध्यापक जो इस विषय से संबद्ध हैं, और जो अन्य भी विषय जैसे कि कंप्यूटर साइंस है, भाषा विज्ञान है, संस्कृत है, और जो संबद्ध शास्त्र हैं, इन इनसे जो सरोकार रखते हैं, वो एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। कि बिना साथ मिलकर कार्य करने से ये संभव नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा, एक बहुविषयक विषय है इसकी बात हम करते हैं। और ये मैं शुरू में इस बात को स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि ऐसा संभव है, और जिसकी मुझे प्रबल संभावना लगती है, कि संस्कृत में जो पाणिनी व्याकरण का अनुवाद 19वीं शताब्दी के बाद से जो होना शुरू हुआ, और उसकी पढ़ाई पश्चिम में होनी शुरू हुई, उसने बहुत ज़बरदस्त रूप से प्रभावित किया। और ये प्रभाव 1950 के दशक में काफ़ी प्रबल हो के आया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ये भी संभव है कि दोनों ही वेस्टर्न जो एकेडमिया है और इंडियन एकेडमिया है या इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस हैं, इनमें समानांतर रूप से भी डेवलपमेंट हुआ हो, ये भी संभावना है। क्योंकि हो सकता है कि एक ही विचार कई जगहों पे एक साथ आ सकते हैं या आगे पीछे आ सकती है, संभावना है। लेकिन जो एक कड़ा लिंक है कि हमारी पुस्तकों का अनुवाद जो होना शुरू हुआ, उसको पढ़ाया जाने लगा, और कुछ उसके साक्ष्य मिलते हैं जिससे लगता है कि ये सीधा कनेक्शन है, तो मैं दोनों ही पक्ष पे विचार रखूँगा। तो इस प्रदर्शन में, प्रेजेंटेशन में मुख्य रूप से जो मैंने भाषा स्लाइड्स की अंग्रेजी रखी है, लेकिन मैं बोलूँगा हिंदी, ज़्यादातर हिंदी में। और एआई का इवोल्यूशन और इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग का इवोल्यूशन का थोड़ा सा इतिहास रखते हुए, और आजकल जो मशीन लर्निंग और डीप मशीन लर्निंग बेस्ड कंप्यूटिंग है, वो कैसे डिफरेंट है क्लासिकल एआई जो कि 90s तक मैं समझता हूँ कि होती थी, खूब होती थी, अभी कुछ लोग कर रहे हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, भेद क्या है, और कहाँ पर पाणिनि का जो सिस्टम हम कहाँ प्लेस करते हैं इसके बीच में, और जो इसकी शुरुआत 50 के दशक में चॉम्स्की के द्वारा, जो MIT ज्वाइन किया था उन्होंने, और ही स्टार्टेड टीचिंग लिंग्विस्टिक्स अंडर इंफॉर्मेशन थियोरी, तो वहाँ पर जो नए विकास हुए, कैसे उस विकास को फिर IBM के डिज़ाइनर्स ने लेकर अलगोल जैसी भाषा का डेवलपमेंट किया, फिर कैसे सारी प्रक्रिया हुई, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस होता है, AI शब्द की को कॉइन किया जाता है, ये सारे 50 के दशक से काफ़ी तेज़ी से होगा। उससे पहले अलान ट्यूरिंग की बात भी मैं करूँगा, तो बड़ा तेज़ी से ये डेवलपमेंट हुआ है, और पाणिनि का उसमें क्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान रहा है, इसकी बात हम करेंगे। और फिर हम जो चॉम्स्की के मॉडल्स रहे हैं, उनको हम कंपेयर करेंगे पाणिनि के मॉडल्स से, देखेंगे कि प्रभाव कहाँ कहाँ दिखता है। और फिर जो हम डीप AI की बात करते हैं, इसको रोबस्ट AI की बात करते हैं, वो बिना सेमांटिक्स के संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जब बोलते हैं और भाषा का व्यवहार करते हैं, तो ज्ञान पूरा सिर्फ भाषा के व्यवहार से ही परिलक्षित हो जाए तो फिर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भाषा के व्यवहार में बहुत सी बातें नॉन लिंग्विस्टिक और एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक इन्वॉल्व होती हैं, और वो भी नॉलेज एनकोड करने में ब्रेन में, या नॉलेज को इंटरप्रेट करने में ब्रेन से,
मददगार होती हैं। तो ये कई सारे चैनल्स पैरेलल में ओपन रहते हैं। जब हम भाषा का व्यवहार करते हैं, सिर्फ हम बोलते ही नहीं हैं, हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, एक्टिंग भी करते हैं, चेहरे पे भाव भी उभरते हैं, ये बहुत सी बातें भाषा के सीधे परिधि में नहीं आती। तो उनमें से कितनों को हम सेमांटिक्स जो बात करते हैं से हम कैप्चर कर सकते हैं, कितनों को कैप्चर नहीं कर सकते। और पाणिनि में जिसका कि आधार सेमांटिक्स है, कहाँ कहाँ ये समस्या उत्पन्न होती है उसके बाद हम करेंगे, और फिर पाणिनि कितना कंप्यूटेबल है कितना नहीं है चर्चा करेंगे। बाद के जो दो हिस्से हैं वर्क डन एंड चेंज, इसको मैं स्किप करूंगा, आज को कितना समय रहेगा नहीं। उसके बदले मैं जो हमारे शास्त्र, खासकर न्याय, और बाद में उसका पुरुषोत्तम नव न्याय में गंगेश उपाध्याय की पुस्तक से हुआ मिथिला में, तो न्याय दर्शन और नवन्याय पुरस्कृत दर्शन में जो जो वेज ऑफ नोइंग है, नोइंग जिसको कहते हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट लार्जर कॉग्निटिव साइंस, जो उसके सब जानते हैं प्रत्यक्ष अनुमान है तो शब्द है, तो इनके एआई से क्या संबंध है? यदि हम एआई में भी बात करें तो ये कहाँ कहाँ साम्य रखते हैं, मैं थोड़ा सा इस पर भी चर्चा करूँगा, क्योंकि पूरा जो है वेदांत वगैरह सब की बात करने का समय नहीं रहेगा। मेरा एक पेपर उसमें है, मैं आपको बता दूंगा, उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा न्याय पर फोकस करूँगा। तो इवोल्यूशन ऑफ इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग में एक हमारे मित्र हैं डेविड केपन, उन्होंने व्याख्यान यूरोप में दिया था, तो उनको मैंने अडेप्ट किया है। तो ये देखिए कि 40s में जो मुख्य समस्या थी इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की, क्योंकि वॉर चल रहा था और उसमें ये समस्या थी कि कैसे मैसेज को यूनिकली इनक्रिप्ट करें ताकि उसको टारगेटेड ऑडियंस जो है उसको वो कर सके डिक्रिप्ट। और न्यूरल ऑटोमेटा की बात होने लगी थी, नेटवर्क की बात भी की, अथवा न्यूरो लिंग्विस्टिक्स की चर्चा शुरू हो गई थी इतनी जल्दी, वेरी वेरी सरप्राइजिंग। मशीन अनुवाद 50 के दशक में, अभी तक देखिए एआई शब्द अभी तक नहीं आया, 55 में एआई शब्द का को कॉइन किया गया जॉन मैकार्थी के द्वारा, और उससे पहले मशीन अनुवाद की प्रोजेक्ट्स अमेरिका में शुरू हो गए थे उससे, और उसको सफल बनाने के लिए जो आवश्यक डिक्शनरियाँ हैं, टेक्स्ट यूटिलिटीज है, कॉन्कॉर्डेंस, ये सारी बातें वहाँ पे शुरू हो गई थी। और उसके बाद काफ़ी एक स्केथिंग रिव्यू भी आया था कि मशीन अनुवाद के प्रोजेक्ट नहीं चल रहे हैं, अमेरिका में रिव्यू हुई थी उसको, एलपैक रिव्यू बोलते हैं उसको। उसके बाद फंडिंग मशीन अनुवाद में कम हो गई थी, लोगों ने कहा कि मशीन अनुवाद बहुत मुश्किल और कठिन टास्क है, आप छोटे छोटे और सरल टास्क लें। एआई को अभी एआई शब्द का बात नहीं हुई थी अभी, कि अभी इस विषय के लोगों को अभी सरल टास्क लेने चाहिए, छोटे छोटे टास्क, मशीन अनुवाद बहुत कठिन टास्क है। तो ये सजेशन उस रिव्यू में दिया गया था कि मशीन अनुवाद जो है कठिन है। 60s में थोड़ा सा जो है वो शिफ्ट करता है मशीन अनुवाद से थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेटिक्स और बात करने लगे लोग कॉम्प्लेक्सिटी, जो भाषा में जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्पिटिशनल कॉम्प्लेक्सिटी की बात हुई कि नेचुरल लैंग्वेज जो है, प्राकृतिक भाषा जो है, इसको कंप्यूट करना आइडियली कॉम्प्लेक्स है, यू नो, बहुत कॉम्प्लेक्स है और नॉइजी है, सो पार्सिंग नेचुरल लैंग्वेज का स्पीच एक्सेट्रा बहुत डिफिकल्ट है। 70s में एक नई, ये देखिए बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, 70s में साइको लिंग्विस्टिक इंटरप्रेटर्स और पार्सल जनरेटर्स की बात हुई, मतलब अब थोड़ा सा लॉजिक की तरफ आगे देखेंगे आएगा फिर वो, कि हम अपने दिमाग में कैसे चीज़ें करते हैं बिना इसको समझे। यदि हम भाषा को पार्स करने का आर्टिफिशियली प्रयास करेंगे तो एम्बिग्विटीज आएंगी और हम एफिशिएंट और ऑप्टिमम नहीं हो पाएंगे। जब हम अपने मस्तिष्क में भाषा को पार्स करते हैं तो कई सारे चैनल इन्वॉल्व होते हैं और कई सारे फिल्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और सिक्वेंसिंग होती है फिल्टर्स की, और बाद में जो निकल के आता है वो ऑप्टिमम होता है, ठीक है। और कई बार हम गलतियाँ भी करते हैं, फिर गलतियों को फीडबैक लेके फिर उसको इम्प्रूव करते हैं, राइट। तो ये सारी बातें बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चैनल वाइज होती हैं, और उसका एक चैनल सिर्फ भाषा के लेके पढ़े आगे तो वो ऑप्टिमम रिजल्ट्स उसमें नहीं आ पाएंगे। और फिर 1890s में देखिए लॉजिक प्रोग्रामिंग की बात, चलिए प्रोलॉग जैसी भाषा 72 में आई थी, 1972 में प्रोलॉग भाषा आई थी, आई थिंक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में आई थी। 1890s में लॉजिक प्रोग्रामिंग का दौर रहा और काफ़ी तेजी से प्रोग्रामिंग प्रोलॉग में होने लगा। उससे पहले 58 में, जहाँ तक मुझे याद है कि लिस्प भाषा को उन्होंने, जॉन मैकार्थी ने 55 में उन्होंने इस टर्म को कॉइन किया, और मुझे लगता है लिस्प भाषा को 1958 में बनाया। उसके बाद इसी आसपास में डार्टमथ में कॉन्फ्रेंस भी किया था, पहला कॉन्फ्रेंस एआई पे डार्टमथ मैसाचुसेट्स में हुआ था। और फिर इसी आसपास 60 में मेरे ख्याल से अलगॉल भाषा आईबीएम में आ गई थी और बैकस, जॉन बैकस ने इसमें काफ़ी लीड लिया था।
ये सारी चीजें एक वेल कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज के अंदर में हो रही है। और बट 1890 में एक बात और हुई कि नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस, हम अब बात करने लगे जो कंप्यूटर्स तो थे ही, उसमें अब ट्रेडिशनल कीबोर्ड जो होते हैं, माउस होते हैं, उसके बदले दिए भाषा का इंटरफेस रखें तो ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। कंप्यूटर को स्प्रेड करना था, ग्रो करना था, हार्डवेयर कंपनीज का प्रेशर था, कंप्यूटर्स बिकने रहे हैं, क्यों आसान से आसान तरीका क्या हो, ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे आने चाहिए और अच्छे इंटरफेस होने चाहिए। अब जो परिवर्तन तेजी से हुआ है 2000 और 2010 के दशक में कि वेब आ गया, काफ़ी पॉपुलर हो गया और ढेर सारे रिसोर्सेज डेटा जो हम व्यवहार करते हैं, पहले तो जब हम ह्यूमन बींग से भाषा में इंटरेक्ट करते थे तो कदम लॉस्ट हो जाती थी डेटा, और वो सारा डेटा कैप्चर हो जाता है मोबाइल फोन से, नो बिग डेटा टेक्निक से, और वो सारा वेब पे जा रहा है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, डेटा की चोरी भी होती है। जब वेब पे डेटा इतना आ गया तो अब एआई में एक नया परिवर्तन आया है, वो कहते हैं कि अब हम कन्वेंशनल ग्रामर और लेक्सिकॉन से जो मशीन को ट्रेन करते थे, एआई मशीनों को, वो अब नहीं करके अब हम उसको डेटा जो इंटरनेट पर उपलब्ध है उसको हम दो तरीके से ट्रेन करें, या तो उसमें हम अनसुपरवाइज सीधे डेटा को देकर ट्रेन करें, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनें जो गूगल में जो कर रहे हैं और वो सब अनसुपरवाइज या बिना किसी एनोटेशन के डेटा से ट्रेन करते हैं। दूसरा तरीका जो अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है कि हम डेटा को पहले एनोटेट करते हैं, लिंग्विस्टिक एनोटेशन डाल के फिर उसको ट्रेन करते हैं। तो वेब जो है बड़ा एक जरिया हो गया है। तो अब जो परिवर्तन तेजी से आ रहे हैं, आगे क्या परिवर्तन आएगा बड़ा कहना मुश्किल है कि ढंग की तेजी से, लेकिन ऐसा लग रहा है जो भी हालात हैं कि वापस जो है लिंग्विस्टिक एनोटेशन, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जो लेयर्स जो भाषा में होती है उस लेयर्स को कैप्चर करना एनोटेशन के जरिए और मशीन को फिर ट्रेन करना, ये दौर चलेगा तेजी से, और मुझे लग रहा है कि काफी तेजी से चलेगा। अब अलान ट्यूरिंग और उनकी जो कंप्यूटिंग मशीनरी की बात हम करते हैं 38-39 ऑलमोस्ट 50s तक की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या इसमें किया था, एक उनका पेपर आया था कैन मशीन्स थिंक 1950 में, अलान ट्यूरिंग जिनको ट्यूरिंग मशीन जिन्होंने बनाया था, मैथमेटिकल मॉडल दिया था कंप्यूटर का और ट्यूरिंग टेस्ट की बात भी की थी। तो मैं एक पेपर आपको दिखाता हूँ, आप लोगों ने बहुत दिन देखा होगा, ना देखा होगा तो आप इसको देखिए, कंप्यूटिंग मशीन इंटेलिजेंस, ये आर्गुमेंट ये बेसिकली आर्गुमेंट मोनोलॉग जैसा है कि भाई क्या मशीन सोच सकती है, सोचने किसको हम थिंकिंग मशीन कहेंगे, क्या होगा, क्या उसके फायदे घाटे, ये सारा देने हुआ, इसको जरूर देखें आप। पहला इस पर पेपर आया था, फिर ट्यूरिंग मशीन उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल दिया मशीन का कि मशीन की क्या कैपेसिटी हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, फिर टेस्ट दिया ट्यूरिंग टेस्ट की किसको इंटेलिजेंट मशीन कहा जाएगा, उसमें था कि यदि हम मशीन से बात कर रहे हैं बिना जाने कि ये मशीन है और हमें लगे कि हम आदमी से बात कर रहे हैं तो उस मशीन को हम इंटेलिजेंट कहेंगे, यदि मशीन आदमी को बेवकूफ़ बना दे कि भाई वो आदमी है मशीन नहीं है तो उसको इंटेलिजेंट मशीन कहेंगे। तो एकाध एग्जाम्पल मिले हैं कि एआई मशीनों की कि जिन्होंने ऐसा टेस्ट पास किया, ऐसा कहते हैं, खासकर टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम्स काफ़ी नेचुरल अब लगते हैं और डायलॉग सिस्टम भी काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं, तो काफ़ी प्रगति हुई है इसमें। और ये प्रगति जो हो रही है एआई में, ये मेरे ख्याल से और भारतीय परंपरा में यदि कॉम्प्लीमेंटैरिटी हो, हम एक दूसरे को रिप्लेस करने की बात ना करें, तो काफ़ी तेजी से प्रगति होगी। यही बात आगे रिक ब्रिक्स करते हैं कि जो भारतीय परंपरा में जो उन्नति हुई एआई में उसको हम पहले समझ के उससे आगे हम चर्चा करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब एआई में हम आखिर करते क्या हैं आजकल, सबसे बड़ा जो है कि भाषा चूंकि एक सबसे बड़ा जरिया है नॉलेज को एक्सप्रेस करने का, नॉलेज को इनकोड करने का, जितनी हमें पता है अपने ब्रेन के बारे में अब तक, तो इसलिए वो बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट बन जाता है। और उसके बाद इन्फ्रेंस इंजिन की बात करते हैं कि कैसे मशीन इन्फर करें, निष्कर्ष निकाले, और कैसे मशीन एक्सपर्ट बने किसी विषय का, तो ऐसे मशीनें बनाई जाती हैं। और फिर ट्यूटरिंग सिस्टम्स होते हैं जो आपको पढ़ा दें, ट्यूटर कर दें ऑटोमेटिकली, विजन मशीन है जो पिक्चर का अर्थ लगाए इंटरप्रेट करें, रोबोटिक्स तो जानते हैं, मशीनें जो कि मशीन ह्यूमन जैसा बिहेवियर करें और थोड़ा बहुत इसको अप्रोक्सीमेट करें। और आजकल एआई तो मशीन लर्निंग से सिनोनिमस ऑलमोस्ट हो गया है कि मशीन अपने आप कैसे सीखे, जैसे हम अपने आप को यदि मशीन समझे, हम कैसे एनवायरनमेंट से हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट जो है उससे हम सीखते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं, कैन मशीन्स ऑल्सो डू द सेम। इसमें सबसे बड़ा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक है वो है कि मशीन जब तक डेटा जो नेचुरल लैंग्वेज का है जिसमें कि ज्ञान हम
एक्सप्रेस करते हैं जो इंटरनेट पर उपलब्ध है, जब तक मशीन उसको अपने आप समझ नहीं ले तो मशीन कैसे ज्ञान प्राप्त करेगी। तो सबसे बड़ा एक जिसमें मैं समझता हूँ कि बॉटलनेक है कि जो नेचुरल लैंग्वेज डेटा जिसमें कि ज्ञान छुपा हुआ है, जो अब खूब उपलब्ध हो रहा है, सारी भाषाओं में उपलब्ध हो रहा है, उसको मशीन कैसे पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सके, ये बहुत बड़ा एक है। इसी पे आगे फोकस रहेगा। एक और विषय है ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, जिसमें हम कंप्यूटर से कन्वेंशनल तरीके से और नॉन कन्वेंशनल तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। जो कन्वेंशनल तरीका है वो है कीबोर्ड माउस का जो अब तक चल रहा है, और जो नॉन कन्वेंशनल है उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट HCI या और HCI या ह्यूमन इंटरेक्ट, ह्यूमन कंप्यूटर इंटेलिजेंट इंटरेक्शन में हम भाषा से कम्युनिकेट करिए, भाषा से मशीन से कम्युनिकेट करें, कीबोर्ड माउस से ना करें, उसको बोलते हैं HCI। ये सारे पैरेलल डिसिप्लिन हैं, एक दूसरे में काफ़ी ओवरलैप्स हैं, और इन सब का आधार कॉग्निटिव साइंस अल्टीमेटली हो जाता है, नॉट इमीडिएटली बट अल्टीमेटली, बिकॉज वी वॉन्ट टू नो कि हम अपने ब्रेन में कैसे चीज़ें करते हैं और उसको कैसे रेप्लीकेट करें मशीनों पर, कैसे उसको प्रोड्यूस करें। अब AI और मशीन लर्निंग एक बड़ा है, आज जब भी हम AI की बात करेंगे तो उसमें मशीन लर्निंग की बात होगी, पहले ऐसा नहीं होता था। और मैं आगे बात करूँगा, मैंने कोर्स किया था इंट्रोडक्शन टू AI यूनिवर्सिटी ऑफ एलेना अर्बाना शैम्पेन में 1997 में मुझे लग रहा है, और उस कोर्स में नाम तो था इंट्रोडक्शन टू AI, लेकिन कोर्स था प्रोग्रामिंग इन प्रोलॉग, प्रोग्रामिंग इन लिस्प, इन दो भाषाओं में जो उस वक्त AI लैंग्वेज मानी जाती हैं, उनमें प्रोग्रामिंग का ही कोर्स था, नाम था कोर्स का AI, इंट्रोडक्शन टू AI। आजकल यदि आप कोर्स करें AI में तो आपको सीरीज ऑफ मशीन लर्निंग, डीप मशीन लर्निंग कोर्सेज मिलेंगे आपको, जो अवेलेबल मॉडल्स हैं उसको यूज़ करने का तरीका बताया जाएगा और आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट दिया जाएगा, टिपिकल दैट वुड बी अ कोर्स इन AI टुडे। तो जो टू काइंड्स ऑफ AI प्रोग्राम्स को हम समझने का प्रयास करें, आखिर AI प्रोग्राम्स कैसे भिन्न होती हैं बाकी के प्रोग्राम्स से। अब जैसे ऑर्डिनरी प्रोग्राम है, व्हाट इज एन ऑर्डिनरी प्रोग्राम, जो इंटेलिजेंट नहीं हो, जो अपने आप को मॉडिफाई ना करे, जो सीखे नहीं, उसको ऑर्डिनरी प्रोग्राम। जैसे कि मान लीजिए आप अमेजन पे आप कुछ खरीदने जाते हैं, इट्स नॉट AI प्रोग्राम। यदि आपने प्रोडक्ट को क्लिक किया, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आ गया, आपने खरीद लिया, आपने उसको लौटा दिया, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन यदि वो प्रोग्राम ये समझ के आपके बाइंग हैबिट से ये लर्न कर लेता है कि आप क्या खरीदना पसंद करेंगे, और उसका वो ऐड आपको दिखाता रहता है, कई सारे प्रोग्राम ऐसा करते हैं, इसको अपसेलिंग बोलते हैं, देन हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत AI का इस्तेमाल उसमें किया गया है। तो AI प्रोग्राम्स वो होती हैं जो आपके बिहेवियर को रीड करती रहती हैं, और आपके बिहेवियर में सबसे बड़ा आस्पेक्ट होता है आप क्या बोलते हैं, क्या लिखते हैं, या कंप्यूटर में क्या क्लिक करते हैं, ऑब्वियसली हाउ यू एक्सप्रेस योरसेल्फ डिजिटली। उस एक्सप्रेशन को यदि प्रोग्राम ट्रैक करती रहे या उससे अपने आप को इम्प्रूव करती रहे अपने बिहेवियर को, ऐसे उसको AI प्रोग्राम कहते हैं। और इसका इस्तेमाल आपको जो लग रहा है कि हर जगह हो रहा है, अब जैसे बैंकिंग सॉफ्टवेयर है SBI का, किसी बैंक का, तो टिपिकली मोस्ट ऑफ इट वुड नॉट बी AI, ये कुछ जगह AI के लोग इस्तेमाल धीरे धीरे करने लगे हैं अपने अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए, अपने अपने आप को ज़्यादा प्रॉफिटेबल रखने के लिए ये लोग करने लगे हैं। जैसे अब ATM मशीन है, ATM मशीन यदि कल को वॉइस बेस्ड हो जाए तो उसको कहेंगे AI ATM मशीन है कि आपकी स्पीच को उन्होंने पढ़ के आपको एंट्री दे दी। तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली AI का इस्तेमाल लोग ऑर्डिनरी प्रोग्राम्स में करते हैं अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, ये दो तीन बातें हैं। अब AI प्रोग्राम में दो तरह के होते हैं, जिसकी मैंने बात की, कन्वेंशनल AI प्रोग्राम्स जिनको हमने भाषा के व्याकरण और डिक्शनरी पर ट्रेन किया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि मुझे संस्कृत के एक टेक्स्ट को समझना है, हिंदी के टेक्स्ट को समझना है, तो हमने हिंदी का ग्रामर को फॉर्मलाइज करके, हिंदी का ग्रामर तो फॉर्मल नहीं है, बहुत ही समस्या है, उसको फॉर्मलाइज करके हमने वो व्याकरण का हिस्सा एक सर्टेन तरीके से कंप्यूटर को दिया, और जो संबद्ध कोश चाहिए, डिक्शनरी चाहिए, दोनों दिया, और फिर कंप्यूटर ने इस दोनों को रीड करके अपने आप को इंटरनलाइज कर दिया, राइट। हम कहेंगे कंप्यूटर ट्रेन हो गया है हिंदी ग्रामर में और लेक्सिकॉन में, फिर जब उसको हिंदी का वाक्य देंगे तो उसको समझ लेगा। यदि ऐसा होता है तो हम कहेंगे हमने कंप्यूटर को AI बना दिया, इंटेलिजेंट बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना दिया, उसके व्याकरण और कोश में ट्रेन करके, हिंदी के व्याकरण और कोश को में ट्रेन करके हमने उस कंप्यूटर को इंटेलिजेंट बना दिया।
ये था क्लासिकल एआई, मतलब जो अब तक हम 90s तक करते आ रहे थे। इसमें समस्या क्या थी कि अब व्याकरण तो एक समय एक जैसा रहेगा, कोई गारंटी नहीं है, परिवर्तन होते हैं, नई नए नए यूसेजेज आते हैं, नई स्ट्रक्चर्स आती हैं, और जब हमने व्याकरण का एक नियम दिया है तो वो नियम आवश्यक नहीं कि एक ही रिजल्ट देगा, कई रिजल्ट दे सकता है, एक शब्द के कई अर्थ भी होते हैं। तो आमतौर पर जब हम एक वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं इस तरीके से क्लासिकल एआई से, तो उसके कई उत्तर निकल के आते हैं, दुविधा बढ़ जाती है, कई उत्तर आते हैं। इसमें इसी समस्या क्या होती है, जब अब मान लीजिए मुझे हिंदी के एक वाक्य को मांगत नाव न केवट अनावधि है या को अनुवाद करना अंग्रेजी में, अब मैंने एक क्लासिकल एआई के तरीके से ग्रामर दिया है हिंदी का, अवधि का, और कोश दिया हुआ है, तो मशीन इसके दो उत्तर देगा, मांगत नाव न केवट आना, मांगत नाव न केवट आना। अब ये दो उत्तर जो आ गए, इसका अनुवाद आप कैसे करेंगे, किस उत्तर का अनुवाद करेंगे? तो यहाँ पे मशीन हैंग कर सकती है, स्टक हो जाएगी। यदि यही बात मान लीजिए हमने क्लासिकल तरीके से एटीएम को ट्रेन किया हुआ है और हम बोल रहे हैं अब, और मशीन मेरी आवाज से मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, दो उत्तर आ रहे हैं, उसको भ्रम हो रहा है कि इसकी आवाज, इसकी आवाज, इसकी आवाज है, तो फिर मशीन वहां हैंग कर जाएगी, मैं अपना पैसा नहीं निकाल पाऊंगा। तो ऐसी स्थिति ना हो कि जहां पर मशीन को ये निर्णय करने में मुश्किल हो कि सही उत्तर है क्या। तो ये समस्या बहुत आ रही थी। तो और किसी ग्रामर को बार बार अपडेट करना और डिक्शनरी को हमेशा अपडेट करते रहना ये बड़ी समस्या है। मैं अपने उदाहरण दूंगा कि मैंने जब इलिनॉय में एक कार्य किया था नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस का, तो गोल ये था कि डेटाबेस जो है वो तो आर्टिफिशियल भाषा में एसक्यूएल में चलते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में, जिसको इंग्लिश से चलाना हो तो कैसे चलाएंगे? तो जो डेटाबेस कम्युनिकेशन का जो एक छोटा सा इंग्लिश है, कमांड वाली अंग्रेजी है, तो उसको हम पार्स करें और उस पार्स से वो एसक्यूएल की कमांड्स को निकाल दें, यानी हम कमांड अंग्रेजी में दें और डेटाबेस उसको एसक्यूएल में समझे, ये गोल था। अब उतने छोटे से अंग्रेजी के सैंपल के लिए भी जब मैंने उसको ग्रामर और लेक्सिकॉन से ट्रेन किया और जब रिजल्ट उसका निकालने लगा, तो एक एक वाक्य के 15-15 उत्तर आते थे। तो ये 15 उत्तर को अब ग्रामर को फिक्स करना, ट्यून करना, डिक्शनरी अपडेट कर करके अब एक तक लाइए, बड़ी समस्या होती है छोटे से व्याकरण के हिस्से के लिए भी। ये अब संपूर्ण भाषा की बात करें तो कई कई उत्तर आएंगे। इसलिए इन चीज़ों से परेशान होकर लोगों ने एक जो नया अभी जो डेटा काफ़ी उपलब्ध हो गया इंटरनेट पे, तो मशीन लर्निंग बेस्ड एआई प्रोग्राम्स की बात होने लगी है। वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से ग्रामर और कोश नहीं देते हैं, हम अप्रत्यक्ष रूप से यही चीज़ें छुपाकर भाषा के साथ देते हैं। तो भाषा में जो व्याकरण का व्यवहार है और जो कोश है वो मशीन ले और खुद ही व्याकरण निकाले और खुद ही कोश निकाले, इसको बोलते हैं मशीन लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम। ठीक है, इसी में इम्प्रूवमेंट ये मशीन लर्निंग होगी, इसमें ज़्यादातर और हम एनोटेशन देते हैं, कई बार हम डेटा को नए तरीके से पेश करते हैं, कई बार हम उसमें और डीप रिलेशनशिप्स को इनकोड कर देते हैं पहले। अब जो बेसिक मुद्दा जो मैंने पहले बताया कि एआई कैन ओनली हैपन इफ कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, जब तक प्राकृतिक भाषा को कंप्यूटर नहीं समझ लेता एआई हो ही नहीं सकता, ये एआई के फाउंडर जो जॉन मैकार्थी, उन्होंने कहा है। 2011 में उनकी मृत्यु हुई और ही डाइड ए डिससैटिस्फाइड मैन, कि अब तक पूरा एआई हो नहीं पाया। अब जो प्राकृतिक भाषा है जिसको समझना अवश्यंभावी है, मतलब उसको समझना आवश्यक है, उसमें आसानी नहीं है। एक वाक्य में कई लेयर होते हैं, हायरार्कीज होती है, कई हायरार्कीज होती है, और इसलिए उसमें हमें उस हायरार्की को पहले समझना होगा मशीन को, और फिर उसके बाद उसके अर्थ लगाने होंगे, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखते हैं क्या हायरार्कीज होती हैं। जो जो लोग भाषा विज्ञान के छात्र या जिन्होंने संस्कृत व्याकरण को ढंग से पढ़ा है वो बात को समझेंगे कि ये 4-5 जो लेयर्स उसमें होते हैं वो बहुत ऑब्वियस लेयर्स है कि ध्वनि का लेयर होता है, ये फ्रेडरिक्स की बात करते हैं हम लोग। ध्वनि के लेयर को जब तक हम लोग नहीं समझेंगे तो उसमें हम स्पीच वाला जो आस्पेक्ट है, जो स्पीच रिकॉग्निशन का है एस्पेक्ट है, और एक सेकंड रुकना जरा।
राइट, जो जो स्पीच का जो उसमें लेयर है, और जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं कि धोनी का जो लेयर है, और एटीएम में ऋतु कैन यू स्टॉप दिस, ऋतु प्लीज, राइट, सॉरी अबाउट दैट, ओके, डिस्ट्रैक्टेड और नॉइज, ओके। तो माने जैसे कि अब ये ध्वनि वाला जो है, अब ये इसको जब तक ना समझे कि हम जो उच्चारण करते हैं बोलते हैं, तो सबसे जो आसान तरीका है ज्ञान संप्रेषण का वो बोलना है। अब हम बोल रहे हैं तो यदि मशीन यदि नहीं समझ पाए कि ये क्या बोल रहा है और कौन बोल रहा है, तो फिर सारी प्रक्रिया वही खत्म हो जाएगी। हम चाहते हैं मशीन हमारी भाषा को समझे हमारे जैसे, तो ध्वनि को समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक ही ध्वनि है क, लेकिन चार लोग चार तरीके से बोलेंगे उसको। अब कोई क को ख जैसा बोलेगा, कोई क को ग जैसा बोलेगा। अब तमिल को सुने क को बोलते हुए तो क को ग जैसा बोलेगा वो, तो आप कश्मीरी को सुने या दक्षिण को सुने और पूर्व पश्चिम को सुने तो अलग अलग उच्चारण से हो जाते हैं। तो एक मशीन को इतना रोबस्ट होना चाहिए कि वो उसको समझ सके। उसके बाद जब हम ध्वनियों को तेजी से बोलते हैं तो ध्वनि आपस में मिलती भी है और उसमें परिवर्तन भी होते हैं, तो इस परिवर्तन को भी कैप्चर करना कई बार आवश्यक होता है, इस बहुत जरूरी होता है। और बिना उसके आप दिमाग जी में कुछ बोल रहा हूँ और उसको मशीन को पहले सुन के रिकॉर्ड करके उसको अक्षरों में कन्वर्ट करना होगा, उसको ASR की टेक्निक से उसको राइट आउट करना होगा। उस रिटन आउट जो शब्द है और बोले हुए शब्द में एक्यूरेसी होनी चाहिए, जो मैंने कहा वही मशीन ने लिखा। उसके बाद उसकी फिर व्याख्या ग्रामर से उसकी व्याख्या फिर की जाएगी या फिर मशीन लर्निंग टेक्निक से व्याख्या की जाएगी। और जब हमने व्याख्या करना शुरू किया तो उसमें शब्द में संरचना होगी, और उस वो शब्द एक वाक्य में आ रहा है तो वाक्य संरचना होगी, और उस वाक्य में पूरा का पूरा अर्थ निकल रहा है तो क्या अर्थ शब्दों के संयोजन से हो रहा है या पूरे वाक्य का अलग अर्थ निकल। कई बार ऐसा होता है कि शब्दों के अर्थ से वाक्य अर्थ नहीं निकलता, लेकिन जितने भी हमारे लोकोक्तियां मुहावरे हैं उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है, शब्दों के अर्थ से कोई कनेक्शन नहीं होता उनका आमतौर पर। तो ये सारी बात, ये जो लेयर्स है, तो मैंने एक आपको छोटा सा लेयर बताया वाक्य स्तर तक, जब ये डिस्कोर्स भी होता है, पूरा का पूरा डिस्कोर्स है, उसमें हम बात बहुत कुछ कह रहे हैं, अर्थ कुछ और ही निकल रहा है उसका। जब तो ये सारी बातें मशीन को उपलब्ध नहीं होंगी, तो जो इनबिल्ट एम्बेडिंग है, हायरार्कीज है, स्ट्रक्चर्स हैं, जब तक मशीन उसको अनपैक नहीं करेगा तब तक उसको समझना मुश्किल होगा। तो ये सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक। इसीलिए भाषा विज्ञान और इसीलिए संस्कृत में जो सबसे पहले इस बात को पांडे ने स्पष्ट किया, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है इसमें। अब संस्कृत कनेक्शन ऑब्वियस लगता है और उसको थोड़ा सा देखें, पांडे की बात आगे करेंगे हम। और संस्कृत में जो एक विशाल भाषाई परंपरा रही ऋग्वेद के काल से ही, वो इसलिए कि हमारी मौखिक परंपरा थी और हमें चिंता थी कि हमारे शास्त्रों को आगे कोई समझ पाएगा कि नहीं, शास्त्र समाप्त नहीं हो जाएंगे, इसलिए उसको हमने भाषा विज्ञान की शैलियां विकसित की ताकि शास्त्र एक्यूरेट रहे और चलती रहे। इसलिए आप देखेंगे 6 वेदांग में से 4 भाषा विज्ञान के वेदांग थे, और भाषा विज्ञान में बहुत डीप स्टडीज हुई हमारे हमारे देश में, और इसी परंपरा में उन्होंने नई टेक्निक्स का विकास किया और पाणिनि इसी परंपरा में आए कि भाषा विज्ञान को भी एक्सप्रेस करना है एक कंसाइज मैनर में, तो हम ह्यूमन ब्रेन को फिर कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए पाणिनि के व्याकरण में जो एक प्रिसिजन है और कनेक्टिविटी है सूत्रों का, ऐसा लगता है कि शायद इस तरह का नेटवर्क हमारे ब्रेन में भी न्यूरॉन्स का है और वो आपस में एक इंटरकनेक्टेड हैं और फिर इंटरप्रेट करते रहते हैं। वो जिस तरह से पाणिनि के सूत्र आपस में सारे इंटरकनेक्टेड हैं, आप कहीं से किसी सूत्र को उठा के कहीं और नहीं रख सकते, सारा का एक सैक्रोसैंक्ट एक नेटवर्क उन्होंने सूत्रों का स्थापित कर रखा है। 4,000 सूत्र हैं, ऐसा लगता है कि 4,000 सूत्र को आप 40,000 400,000 सूत्र भी बना दें तो उनका जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश रहेगा और वो चल रहा है, राइट। और अब तक ये जो अरेंजमेंट पाणिनि के सूत्र का है, जो 7th century BC में पाणिनि ने इसको लिखा, इसको कंपोज किया, उस पर लिखने की बात नहीं थी, और उसके बाद से अब तक वो संरचना पाणिनि का बरकरार है, वो अब तक बदला नहीं है।
और आगे बताऊंगा कैसे चॉम्स्की ने अपनी संरचनाओं में बार बार परिवर्तन किया है पिछले 50-60-70 वर्षों में, जबकि पाणिनि का अभी 6,000 कितना वर्ष हो गया, 2,500-3,000 वर्ष तो हो गए पाणिनि को, अब तक वो बरकरार है। तो इसमें एक पेपर ऋग्वेद से आया था, बहुत लोग जानते होंगे संस्कृत के, इसको जरूर पढ़ें। इसमें ये नासा के स्टाफ थे, उनका एक AI मैगजीन में 85 में पेपर आया था, 1985 में, तो कहा कि संस्कृत की परंपरा में लोग इस बात को कर रहे हैं। गोल क्या है कि जो प्राकृतिक भाषा में जो वाक्य कहा गया है उसको हम अनएम्बिगुअसली मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे उसका एकमात्र एक ही जो इंटेंडेड मीनिंग है वही आए। तो यही गोल AI का है, जो प्राकृतिक भाषा में कही गई बात को यदि हम मशीन को समझा दें बिना किसी दुविधा के, तो AI हो गया, राइट। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो व्याकरण शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, मीमांसा, ये लोग इस बात को करते आ रहे हैं, शब्द बोध की प्रक्रिया है, इसको समझ लें, उसके बाद AI वाले वहाँ से जो जो AI कम्युनिटी है इस बात से फायदा उठाए, ये उनका एक गोल था। इसी सिलसिले में एक पेपर और है निकोलस ऑसलर का, इन्होंने कहा कि संस्कृत स्टडीज जो है संगणकीय भाषा विज्ञान जो मेरा विषय उसका आधार है। कैसे आधार है, क्यों आधार है, इन्होंने इस बात को कहा है, और कई लोगों ने चर्चा की, आगे मैं बताऊंगा इसको। अब पाणिनि पे जब बात आ गई है तो उसका AI में संदर्भ क्या है, रेलेवेंस क्या है, उसकी बात करें तो मैं लेनर्ड ब्लूमफील्ड 1929 में उनकी एक पुस्तक आई थी लैंग्वेज नाम से, बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक हुई है, भाषा विज्ञान की पुस्तक है लैंग्वेज, तो मोतीलाल नेहरू वाद ने प्रकाशित किया है और लोग इसको भाषा विज्ञान की क्लास में पढ़ते हैं, खासकर हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स में। उनकी पुस्तक के इंट्रोडक्शन में उन्होंने एक कोट बड़ा फेमस हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव ग्रामर ऑफ संस्कृत which Panini brought to his perfection is one of the greatest monuments of human intelligence. कि मानवीय इंटेलिजेंस का इससे बड़ा मॉन्यूमेंट आपको नहीं मिलता देखने के लिए। और दूसरा, ये भाषाओं के को डिस्क्राइब करने के लिए इनडिस्पेंसेबल मॉडल है, जो मेरे लिए काफ़ी उपयोगी स्टेटमेंट है कि यदि प्राकृतिक भाषाओं को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करना हो, जो AI का मेन गोल है, जो AI चाहता है ऐसा हो, हम देखिए जो कृत्रिम भाषाएं हैं, सी है, जावा है, इनको तो हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर लेते हैं कंटेक्स्ट ग्रामर के जरिए और उसका कंपाइलर बना देते हैं, क्या प्राकृतिक भाषा को ऐसे कर सकते हैं, हिंदी है, पंजाबी, गुजराती, संस्कृत, इनको यदि कर सकते हैं तो उसके लिए पाणिनि का मॉडल इंडिस्पेंसेबल है, ऐसा वो 1929 में कह रहे हैं लेनार्ड ब्लूमफील्ड, ठीक है। अब आगे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का भी कोड देखिए, बाकी तो मैं नहीं कहूँगा, वो कह रहे कि द ग्रामर एंड स्ट्रक्चर हैज बीन लाइक्ड टू द ट्यूरिंग मशीन, ट्यूरिंग मशीन जो का मॉडल दिया था अलान ट्यूरिंग ने 50 साल पहले था, उसको कंपेयर किया गया अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी का अनुवाद तब तक हो चुका था, बहुत से लोग उसको पढ़ा भी रहे थे और ससुर ने इसको संस्कृत में बहुत दिनों तक अष्टाध्यायी 30 साल तक पढ़ाया और कई डिपार्टमेंट अभी भी बहुत से भाषा विज्ञान डिपार्टमेंट्स में दुनिया में अष्टाध्यायी पढ़ाई जाती है। मैं फ्लोरेंस गया था, प्रोफेसर था वहाँ पे मेरी चर्चा हो रही थी भाषा विज्ञान विभाग की अध्यक्षा से, तो उन्होंने कहा कि वो अष्टाध्यायी वहाँ पढ़ाती हैं, फ्लोरेंस में पढ़ाती हैं, तो बहुत सी जगह हमारे देश की भाषा विज्ञान विभागों में अनफॉर्चुनेटली अष्टाध्यायी बहुत पॉपुलर नहीं पढ़ाया जाता मेरे ख्याल से, अब शायद होने लगा हो, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते उस पर, चॉम्स्की पे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन कई विभागों में दुनिया में इसको पढ़ाया जाता है। अब जो देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि लैंग्वेज एक मेटा लैंग्वेज है, और जो मेटा लैंग्वेज है कि जो जिस पे भाषा ऑपरेट होती है उसका स्ट्रक्चर होता है, और ऐसी जो कॉन्सेप्ट्स होती हैं, टर्म्स होती हैं जिसको हम बारंबार इस्तेमाल करते हैं, ये आइडिया एक्चुअली था नहीं वेस्ट में, तो जब हम ग्रामर की बात पश्चिम में करते थे वो हम करते थे ग्रामर पेडागॉजी की, ग्रामर पढ़ाने की बात करते थे, लेकिन उस ग्रामर को हम प्राकृतिक भाषा को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करने का जरिया बनाए, ये आइडिया नहीं है, ये संभव भी है इसको किसी को पता भी नहीं था इसको। तो कहने की 1000 ईयर्स बिफोर कंप्यूटर साइंटिस्ट बिगन एक्सप्लोरिंग द सेम आइडिया, उससे पहले ही पाणिनि ने ये कॉन्सेप्ट मेटा लैंग्वेज दे दिया था। अब जो मैं इसको कहता हूँ कि AI अष्टाध्यायी इज ए फंक्शनल AI सिस्टम, व्हाट एग्जैक्टली इज फंक्शनल AI सिस्टम, यदि मैं आज एक AI मैं मशीन हूँ, मान लीजिए अपने आप को मशीन मानो, मैं चल फिर रहा हूँ, मैं भाषा में संवाद कर रहा हूँ, तो कुछ प्रक्रिया जो आपस में हो रही है और जो मॉड्यूल्स हमारे ब्रेन में हैं जो आपस में चल रहे हैं, जैसे कि एक भाषा का इंटरफेस, स्पीच का इंटरफेस होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ मैं इसको सुन भी रहा हूँ,
यदि मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनना बंद कर दूँ तो मेरा बोलना गड़बड़ा जाएगा, यदि लोग बोल रहे हैं मैं सुनना बंद कर दूँ तो मेरी भाषा नहीं चलेगी। तो आपका भाषा को सुनना और ध्वनि को समझना, ये पहले साउंड इंटरफेस है, स्पीच इंटरफेस है, साउंड कार्ड कह लीजिए उसको आप, ठीक है। उसके बाद उसमें जैसे पाणिनि का साउंड कार्ड ये है, नो फोनेटिक कंपोनेंट, अक्षर संभावनाएं हैं, 14 शिव सूत्र है और बहुत ही टाइट और साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज साउंड है, और उससे फिर वो साउंड क्लासेस बनाते हैं। उसके बाद जब हमारे ब्रेन ने जो हमारा साउंड फिल्टर है उसने जो आपने कहा कोई बात की उसको समझ के उसने राइट आउट कर लिया, उसके बाद जो ग्रामर के नियम है जो पढ़ने के चार वो उस पर लगते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, पार्स करने का प्रयास करते हैं, और पार्स करने के क्रम में जो नेसेसरी डिक्शनरियाँ हैं धातु पाठ गण पाठ वो जरूरी आवश्यक होती है, उसका इस्तेमाल किया जाता है उसको समझने में, और फिर उसके साथ साथ जो कुछ छोटी छोटी लिस्ट होती हैं वो भी होती हैं जहाँ आवश्यक एक्सेप्शंस हैं जो हम समाज से सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नियम सीखा व्याकरण का, उसको ओवर अप्लाई किया और गलतियाँ हुई, किसी ने बताया कि भाई ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होगा, तो उसको मैंने अपने एक्सेप्शन में लिस्ट में रख लिया दिमाग में, ठीक है। तो एक बड़ा डेटाबेस है और एक छोटे छोटे लिस्ट हैं और फिर मेन रूल्स हैं और साउंड फिल्टर है, ये चार चीज़ें हर ह्यूमन बीइंग में होती है तभी वो समाज में सूटेबली सर्वाइव कर पाता है। इनमें से कोई भी फिल्टर आपका गड़बड़ हो जाए, कोई भी मॉडल गड़बड़ा जाए आपका, तो आप समाज में अनफिट हो जाएंगे। आप देखें जिन लोगों को भी भाषा की समस्या होती है उनमें से कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसको अभी बहुत ज़्यादा जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है नहीं समझ पाया है, और ब्रेन रिपेयर्स में बहुत प्रगति नहीं हुई है खासकर इस एस्पेक्ट में। और जो चॉम्स्की का मॉडल है, चॉम्स्की पता है आपको कि बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं, अभी भी अब भाषा विज्ञान से ज़्यादा वो पॉलिटिक्स पे टिप्पणी करते हैं, भाषा विज्ञान पे टिप्पणी कम करते हैं, लेकिन MIT ने उनको 50s में एम्प्लॉय किया था इंफॉर्मेशन थ्योरी पढ़ाने के लिए, वो भाषा विज्ञान भी पढ़ाने लगे वो, और अब शायद हाल में MIT से वो निकल के किसी और यूनिवर्सिटी में गए हैं, MIT में प्रोफेसर एमेरिटस तो हो गई वो, तो उनके मॉडल्स आए थे, तो जहाँ से देखिए क्या उनके मॉडल्स हैं, तो उनकी पुस्तक आई थी 65 में एस्पेक्ट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ सिंटैक्स, इससे पहले 57 में पुस्तक आई थी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, वाक्य संरचना इसको कह गया सिंटैक्स। इन दोनों पुस्तकों से जो मॉडल उभर के आया उनका एक थ्योरी था कि भाई हर ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन चाइल्ड के ब्रेन में एक डिवाइस होता है, भाषा लर्निंग डिवाइस को कहा लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD, और वो डिवाइस जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मस्तिष्क में पहले से रहता है, इसको हम लोग संस्कार कहते हैं, तो समाज से अपने भाषाई समाज से इंटरेक्ट करते करते वो डिवाइस उस भाषा का व्याकरण बन जाता है। कुछ उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात भी की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की, जो यूनिवर्सल ग्रामर के हिस्से हैं वो सारी भाषाओं में कॉमन होते हैं, फिर कुछ भाषाओं की अपनी स्पेशल विचित्रता होती है, सब मिल के भाषा का व्याकरण बनाते हैं। उनका जो मॉडल आया है उसमें देखेंगे आपकी कहा कि तीन कंपोनेंट होते हैं, बेस कंपोनेंट उस LAD में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में, इसमें फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स और लेक्सिकॉन एक साथ होते हैं, ठीक है। यानी जो ये है हमारे पाणिनि का सूत्र पाठ 4000 सूत्र, ये पाणिनि के गण पाठ धातु पाठ हो गए, और इस दोनों के इंटरेक्शन से उस भाषा का पार्सिंग होती, इंटरप्रिटेशन आता है, और जिससे हम उसके अर्थ तक पहुंचते हैं, और बाद में उसमें हम और रूल्स लगा के अपना उत्तर जनरेट, हम जब सुनते हैं तो उत्तर भी देते हैं, उत्तर देने के क्रम में हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसी समझ में, फिर नया वाक्य बनाते हैं, फिर उस वाक्य को हमारा जो फोनोलॉजिकल कंपोनेंट है वो उसको प्रिंट आउट करता, बोल देता है जो पाणिनि में अक्षर संभावने वाला कॉम्पोनेंट है। तो पाणिनि में देख लीजिए ये सूत्र पाठ धातु पाठ गण पाठ अक्षर संभावना है, ठीक है। और ये उस वक्त शुरू में चॉम्स्की मॉडल में ये गौण था सिमेंटिक को, बाद में पाणिनि का जो कारक है उसको उन्होंने लेके आगे बढ़ाया उसको, तो ये ऑलमोस्ट जो देखिए 90% के करीब मैच आपको लग रहा है इसमें है ऑलरेडी। अब जो कॉन्टेक्स्ट ग्रामर वो भी चॉम्स्की के प्रयासों से ही आया, जो कि आर्टिफिशियल लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के लिए जो ग्रामर काफी चला, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्क्राइब करने के मतलब जो कंपाइलर डिजाइन में जिस व्याकरण का इस्तेमाल किया गया उससे क्या सिमिलैरिटी है आप देखिए जरा सा।
जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जिसको जी मान लीजिए कहते हैं, उसमें चार चीजें एसेंशियल होती हैं, नॉन टर्मिनल शब्दावली और टर्मिनल शब्दावली। इसमें भाषा के की एक्चुअल शब्दावली होती है जो कि हम राम श्याम एक्सेट्रा करते हैं, ये होती है डिफाइनिंग कैटेगरीज, इसको मेटा टर्म्स कह सकते हैं कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वगैरह, इन दोनों से भाषा की शब्दावली बनती है। ये एब्स्ट्रैक्ट होती है हमारे मस्तिष्क में, हम इसको आमतौर पर नहीं शब्द समझते हैं, लेकिन इसके बिना ये शब्द काम नहीं करेंगे। और ये होता है प्रोडक्शन की, ए से बी निकला, ए गिव्स राइज टू बी, बी गिव्स राइज टू सी, लीड्स टू कह सकते हैं। एक होता है स्टार्ट सिंबल, कहीं से प्रक्रिया शुरू हो रही है, ठीक है ना, कहीं प्रक्रिया शुरू हो रही है, स्टार्ट सिंबल बोलते हैं उसको। तो यदि हम देखें जो नॉन टर्मिनल आइटम्स हैं, ये जैसे अंग्रेजी में कहेंगे नाउन फ्रेज है, संज्ञा पद है, क्रियापद वगैरह है, तो पाणिनि में शब्दावली अक है, ये भी नॉन टर्मिनल है, इसके अंदर छुपा हुआ है शब्द। सवर्ण भी नॉन टर्मिनल है, इसके अंदर ये डिफाइनिंग कैटेगरी है, इसके अंदर शब्दावली छुपी हुई है। और टर्मिनल आइटम जो है अंग्रेजी में, जो हिंदी में शब्दावली होगी, आम, सेब वगैरह वगैरह, कुत्ता, द, चीजेस, ये सारी शब्दावली भाषाओं की होगी। और पाणिनि में भी देखिए तो अ ध्वनियां भी हैं, भू है, अद एक्सेट्रा शब्दावली हो गई पाणिनि में, जो थोड़ा ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है शब्दावली, और एक एडिशनल लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पाणिनि में है। और प्रोडक्शन मैकेनिज्म जो है, मतलब हम कह रहे हैं कि ए रूल ऐसे लिखते हैं, ए गोज टू ए, री राइट रूल्स है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी री रिटन एज दिस। पाणिनि में कहते हैं ए गोज टू बी इफ सी, हम कहते हैं अकह दीर्घ सवर्ण, अकह दीर्घ सवर्ण, अक का दीर्घ होगा यदि सवर्ण है तो, राइट। पाणिनि के सारे रूल्स इस फॉर्मेट में, ए गोज टू बी इफ सी, राइट। और स्टार्ट सिंबल, स्टार्ट सिंबल जो है चॉम्स्की में अटरेंस है, जो शब्द या वाक्य बाहर निकला है वहां से हम प्रक्रिया हम शुरू करेंगे डेरिवेशन की, उसको पार्स करने की। पाणिनि में ये स्टार्ट सिंबल होता है विवक्षा से, मनुष्य ने कुछ बोलने की इच्छा मन में आई, उसके बाद से वो प्रक्रिया शुरू हुई। अब यहाँ जो ए है जिसे हम इसको कहेंगे, ये एक नॉन टर्मिनल है, वेरिएबल है, और इसका जो रीराइट होगा वो कोई एक स्ट्रिंग होगा, वो स्ट्रिंग इस दोनों के संयोग से होगा, जो नॉन टर्मिनल है और टर्मिनल, जो शब्दावली है उससे बने शब्द, उससे बने शब्द में से एक शब्द हो सकता है, कोई बाहर का नहीं होगा। उसकी भी लिमिटेशन है कि जो हमारे मस्तिष्क में भाषा के एक्चुअल शब्द हैं या डिफाइनिंग शब्द हैं, उन दोनों के संयोग से बना हुआ एक शब्द, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट ग्रामर का जो डेफिनेशन। और जो बैकस्नोर फॉर्म आया BNF की बात हम करते हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कॉन्टेक्स्ट ग्रामर में, ये इनोनेशन सिंबल है कि हम कहते हैं एस गोज टू NP-VP। अब पाणिनि में इसको कैसे कंपेयर करेंगे, पद गोज टू शिवथिंगम, शिवथिंगंतम पदम, ये पाणिनि कह रहा है। तो ये सेंटेंस हो गया, ये पद हो गया। शब्दावली का हेरफेर है, बात वही है। हम कहते हैं नाउन फ्रेज का अंग्रेजी में भी देखें तो ये एक नाउन में होता है, द मैंगो, द मैंगो कहेंगे, और संस्कृत में कहें या पाणिनि में संज्ञा पद है, और ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, किसी भाषा में इस्तेमाल करें तो यहाँ पर डाल दीजिए उसको, ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है ये डिपेंड करेगा क्यों कौन सी भाषा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं संस्कृत को, पाणिनि को, राइट। तो ये बदल जाएगा, इस संरचना को हम, इसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते बाकी भाषा में, क्योंकि यहाँ पे हार्ड कोडेड डेट होना चाहिए, जिसमें डेट नहीं चलेगा। इसमें क्या है कि फ्लेक्सिबल मॉडल है, दिस कैन बी यूज बाई मेनी मोर लैंग्वेजेस, है ना। यहाँ देखिए वर्ब फ्रेज गोज टू वी एन NP, जॉन बॉट अ बुक, जॉन बॉट अ बुक, ठीक है। अब क्रियापद कहेंगे यहाँ पे, तो क्रिया तो है, लेकिन ये और ये काफी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि आप इसमें उसको काफी फ्लेक्सिबल तरीके से आप कई भाषाओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो संज्ञा है तो यहाँ भी वही होगा, क्रियाएं हैं तो क्रियाएं में, तो उन्होंने दिया, पाणिनि ने फॉर्म्स नहीं दिए, पाणिनि ने उसको एब्स्ट्रैक्टली स्टोर किया हुआ और प्रोसीजर दिया हुआ बनाने के लिए, वो से बहुत ही कैसे बनेगा, अल से कैसे बनेगा, वो दिया उन्होंने। ये तरीका है। अब जो कॉन्टेक्स्ट ग्रामर है और इस नोटेशन में जब इसका इस्तेमाल होने लगा तो प्रोग्रामिंग भाषा के लिए इसको इस्तेमाल किया गया, और जिसे कंपाइलर बना। कंपाइलर क्या होता है, किसी प्रोग्रामिंग भाषा का ग्रामर होता है जो ये चेक करता है कि जो हमने लिखा है वो सही है कि नहीं है। मान लीजिए मैंने सी में, जावा में कोई कोड लिखा, उसका कंपाइलर ये चेक करेगा कि उसमें सही लिखा हुआ है कि नहीं,
ग्रामर के हिसाब से, सही लिखा हुआ नहीं है तो उसको वो बताएगा यहाँ गलती है आपकी, यहाँ गलती है, ठीक कीजिए। उसके बाद जब सही सब हो जाता है फिर उसको कन्वर्ट कर देता है बाइट कोड में, ताकि कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सके, क्योंकि कंप्यूटर सीधे किसी प्रोग्रामिंग भाषा को एग्जीक्यूट नहीं करता, वो उसको कंपाइल्ड वर्जन को एग्जीक्यूट करता है। तो आइडिया जो है appears to have come from Panini, I'm being more straightforward, मैं कह रहा हूँ आइडिया आया Panini से, ठीक है, प्रोसेस में मेरा बायस हो सकता है। अब जो डिस्क्राइबिंग नेचुरल लैंग्वेज एग्जैक्टली यूजिंग यू राइट रूल्स, ये कॉन्सेप्ट पश्चिम में नहीं था, पश्चिम में मैं समझता हूँ कि 20th century के अर्ली दशक तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि हम प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या इसके लिए, ठीक है, प्राकृतिक भाषा को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मैथमेटिकली कि नहीं राइट रूल्स, ठीक है। अभी जो सीक्वेंस है हिस्ट्री देखने से Panini को 30 वर्ष तक Ferdinand Saussure ने पढ़ाया, उसके बाद उनके क्लास नोट्स को पब्लिश किया गया लिंग्विस्टिक्स की पुस्तक के रूप में, उसके बाद ब्लूमफील्ड ने उस आइडियाज को लिया और चर्चा भी की उन्होंने, फिर जेली हैरिस ने लिया, उसके बाद जेली हैरिस से चॉम्स्की ने पढ़ाना शुरू किया जब इन चीज़ों को, तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि Panini के बारे में लिखा हुआ है कि ये जनरेटिव ग्रामेरियन है, चॉम्स्की को माना जाता है जनरेटिव ग्रामेरियन, राइट, और चॉम्स्की ने लिखा है कि Panini भी जनरेटिव ग्रामेरियन है, Panini भी जनरेटिव ग्रामेरियन। फिर जैसे कि 58-59 में जॉन बैकस ने जो बैकस फॉर्म की बात की और एल्गोल लैंग्वेज की आधारशिला रखी, इसको बैकस नॉर्मल फॉर्म कहा जाने लगा, बाद में पीटर नॉर ने इसको बैकस नॉर्मल फॉर्म कहा, ये जॉन बैकस IBM के डिजाइनर थे, पीटर नॉर ने इसको बैकस नॉर्मल फॉर्म कहा, और बाद में इसको बैकस नॉर फॉर्म BNF कहा जाने लगा। BNF नोटेशन सिंबल हाउ टू डिस्क्राइब यूजिंग CFG के इस्तेमाल करके से आप प्राकृतिक भाषा और सॉरी कृत्रिम भाषा को डिस्क्राइब कर सकते हैं अनएम्बिगुअसली, ताकि कंपाइलर बनाया जा सके उसको। अब बहुत से लोगों ने उसको Panini बैगस फॉर्म भी कहा और Panini नॉर फॉर्म भी कहा, ठीक है, लेकिन अब इसको बैगस नॉर फॉर्म भी कहा जाता है क्योंकि हम लोगों ने इसको क्लेम तो किया नहीं। अब Panini का जो टेक्निक है एन एब्स्ट्रैक्ट नोटेशन यूज इन एक्यूरेटली डिस्क्राइबिंग नेचुरल लैंग्वेज स्ट्रक्चर, अब बहुत सिमिलर है जो Panini ने संस्कृत में अपने नोटेशन सिंबल और एब्स्ट्रैक्शन का इस्तेमाल किया है संस्कृत को डिस्क्राइब करने के लिए एक्यूरेटली, वो बहुत सिमिलर है जॉन बैकस जिन्होंने बताया था टेक्निक डिस्क्राइब करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, बाद में इसका एल्गोल नाम पड़ा उसका, ठीक है। अब Panini का सिस्टम जो है ये ज़्यादा फॉर्मल है, ज़्यादा रूपात्मक है, ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल है। अब चॉम्स्की की सिस्टम की बात जब हम लोग चॉम्स्की का सिंटैक्स अमेरिका में पढ़ रहे थे सिंटैक्स कोर्स में, और हम लोगों ने HPSG ग्रामर का कोर्स भी लिया था, हेड ड्रिवन फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर, जो चॉम्स्की की परंपरा का ही माना जाता है, ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल है, ज़्यादा रूपात्मक, ज़्यादा फॉर्मल है, यानी चॉम्स्की की व्याकरण को सीधे आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्या समस्या आएगी उसमें, ये उसका वीक पॉइंट है चॉम्स्की ग्रामर का। और Panini की ग्रामर का ये स्ट्रेंथ है कि ये ज़्यादा फॉर्मल, ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल, और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है कि इसको परिवर्तन में आप नहीं कर पाए हैं, इसमें करीब 2500-3000 वर्ष तक इसमें परिवर्तन नहीं हो पाया है और स्टेबल है। और इसमें अच्छी बात क्या है कि लार्जली अनएम्बिगुअस प्रोसीजर्स है, सारे प्रोसीजर्स अनएम्बिगुअस ये मैं नहीं कहता, आगे चर्चा करेंगे हम, पर ज़्यादातर अनएम्बिगुअस है और इसलिए प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। और प्रोग्रामिंग जैसी संरचना है इसमें, आशुतोष जी कितना समय हमारे पास है अभी, हेलो जी सर कितना समय हमारे पास है, 10-15 मिनट और हैं आपके पास, 15-20 ओके गुड, हाँ जी। तो इसकी संरचना जो है प्रोग्राम जैसी है, और जब आप अप्रिशिएट करेंगे जब आप अष्टाध्यायी को उसकी संरचना से देखेंगे, आप काशका वृत्ति की संरचना से देखेंगे, सिद्धांत कौमुदी संरचना से नहीं, तो आपको उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, और आप प्रोग्राम को देखेंगे, प्रोग्राम लैंग्वेज लिखे कोड को देखेंगे और अष्टाध्याय की अपनी मौलिक संरचना को देखेंगे तो आपको काफ़ी सिमिलरिटी मिलेगी, जैसे वेरिएबल इंस्टेंशिएशन वृद्धि आदेश गुण एको गुण गुण वृद्धि कर दिया अधिक गुणा कर दिया, तो ये सब सारे शब्दावली को डिफाइन करने के बाद उसको इटरेटिवली इस्तेमाल किया जाता है, और वृद्धि होती है, इवेल्युएशन होता है, एक्सपेंशन होता है, और ये जो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल रिप्लेसमेंट टेक्निक Panini की है जो इसको इस्तेमाल किया गया होगा, इससे सीधा प्रभाव पड़ा होगा कंपाइलर डिज़ाइन में, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं।
अब जो पाणिनि का एप्लीकेशन अन्य भाषाओं पर यदि हम करना चाहें एप्लीकेशन बनाने, मान लीजिए मुझे पंजाबी का, गुजराती का, अंग्रेजी का, स्पेनिश का सिस्टम तैयार करना हो एआई के जरिए, तो क्या फायदे हो सकते हैं पाणिनि के? तो पाणिनि का जो फिलोलॉजी है वो बहुत ईजिली रेप्लीकेबल है अन्य भाषाओं में। जैसे मैं कहूँ कि हम कहते हैं सूत्र पाणिनि का कि त का श डेंटल का पैलेटल हो जाता है, तू का चू हो जाता है और चू और शू हो जाता है मैं कहूँ। तो ऐसे ऐसे ऐसी ऐसे परिवर्तन अन्य भाषाओं में भी होते हैं। मैं कहूँ अंग्रेजी में डोंट यू तो डोंट यू कहते हैं, डोंट यू डोंट यू। तो जहाँ भी अब ट का च बन गया एक तरह से कहिए, तो कई भाषाओं में ऐसे होते हैं फोनोलॉजिकल रूल्स। तो उसको पाणिनि की शैली में यदि हम डिस्क्राइब करें तो, और शैली पाणिनि ने दी हुई है और ये टाइम टेस्टेड है, तो ऐसे मॉडल चाहिए जो अच्छे हैं और परिवर्तनशील नहीं है, तो उसके लेके आप कर सकते हैं। मॉर्फोलॉजी तो और भी ज़्यादा अप्लीकेबल है। मॉर्फोलॉजी में जो डेरिवेशन है और इन्फ्लेक्शन है बहुत स्पष्ट तरीके से काफ़ी एलैबोरेट दिया गया है। प्राइमरी डेरिवेशन, सेकेंडरी डेरिवेशन, फेमिनाइन फॉर्म्स, समास समास बनाना, लोगों को शब्दों को मिलकर समास पद बनाना, फिर इन्फ्लेक्शन रूप रूप बनाना, ये बहुत ही सारे भाषाओं में लगते हैं ये। और सिंटैक्स सेमांटिक्स, कारक और विभक्तियाँ, कारक और विभक्तियाँ सारी भाषाओं में होती है, सारे भाषा में होती है, अलग अलग ढंग से उसको एक्सप्रेस करते हैं। जो ये कारक और विभक्ति का जो मॉडल पाणिनि दे रखा है, इसको आप चाहे तो आसानी से रेप्लिकेट कर सकते हैं अन्य भाषाओं में। तो ये एक तरीका है। अब ये पाणिनि को हमने मॉडल तो सिद्ध कर दिया, लेकिन इसके इम्प्लीकेशन क्या क्या हैं और क्या फायदे इसके हैं ये देख सकते हैं। क्योंकि यदि भारत की भाषा की बात करें, यदि भारत की भाषा का व्याकरण उठा के देखिए आप, कोई भी हिंदी का, पंजाबी का, गुजराती का, तो आपको सीधा सिद्धांत कौमुदी की छाप उसमें मिल जाएगी, एकदम से मिल जाएगी। अब तमिल का व्याकरण जो लिखा गया था पहला, तुर्का पीएम जो था वो एकदम पाणिनि का सीधा प्रभाव उस पर था। तो ये जो प्रभाव है, या तो जो भाषाएं संस्कृत की परिवार की हैं उसमें तो सीधा प्रभाव आपको संस्कृत की वजह ही मिल जाएगा, जो संस्कृत की परिवार की भाषा नहीं भी है, हालांकि इसमें कई कई भेद हैं, मतभेद हैं, उनमें भी संस्कृत के व्याकरण का प्रभाव सीधा मिल जाएगा आपको, शब्दावली का प्रभाव मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाता है लैंग्वेज इंजीनियर्स के लिए कि आप भाई हर भाषा का अलग अलग सिस्टम ना बनाए, आप एक कॉमन कोर सिस्टम बना दें और सारी भाषाओं की जो विविधता है उसमें जोड़ दें उसको, तो आपका कॉस्ट घटेगा, आपकी मेंटेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी बढ़ेगी आगे। ये लैंग्वेज इंजीनियरिंग में, किसी भी इंजीनियरिंग में बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है ये कि हमें कम से कम एफर्ट में ज़्यादा आउटपुट मिले। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या पाणिनि का व्याकरण ठीक है, बहुत ज़्यादा रूपात्मक है, सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेबल है, क्या इसको हम पूरा का पूरा कंप्यूट कर सकते हैं? मोस्ट इम्प्लीमेंटेबल व्याकरण अभी है दुनिया का ये, लेकिन फिर भी क्या इसमें हम पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको कंप्यूटर में, इसमें प्रश्न उठते हैं। तो वो देखते हैं कि कितना इम्प्लीमेंटेबल है कितना नहीं है, और समय थोड़ा कम है मैं स्किप करता हूँ। बहुत से लोगों ने बताया कि इसमें काफ़ी समस्याएं हैं पाणिनि की व्याकरण को इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि सेमांटिक्स जो है वो इसका आधार है, और ये सेमांटिक जो कंडीशंस है पाणिनि के व्याकरण में उसको हम वेस्टफुल समझ के, बहुत ही महंगी समझ के, एक्सपेंसिव समझ के बाईपास करें तो ये भी ठीक नहीं, क्योंकि बहुत सी बातें फिर वो अस्पष्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें गोल ये है कि कैसे पाणिनि की व्याकरण को कंप्यूट करें और सेमांटिक कंडीशंस को साथ में लेकर, और बहुत सी बातें हम लोगों ने यहाँ पे हमारे सेंटर में जो चीज़ें हैं उसको किया हुआ है, जैसे कि संस्कृत के टेक्स्ट को दें तो ये सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली स्टेम कर देता है। यदि मैं आपको ये टेक्स्ट दूँ, जिन लोगों ने हमारे साइट को देखा है देखा होगा, मान लीजिए हम संस्कृत टेक्स्ट देते हैं मशीन को, तो मशीन उसको स्टेम कर देता है, लाइट पार्सिंग कर दे रहा है उसको, लेकिन वो एनफ नहीं है, उसके बाद भी कई सारी चीज़ें होती हैं, लाइट पार्सिंग मशीन कर दे रहा है, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं फ्रेजल लेवल पे, वाक्य के लेवल पे, तो काफ़ी एम्बिग्यूटी आती है। उसके लिए हमें आपको डीप जाना पड़ेगा, कारक पे जाना पड़ेगा, और कारक पे जब जाते हैं तो कई सारे सेमांटिक कंडीशंस आती हैं और उसको हैंडल करना बहुत कठिन हो जाता है। अब देखिए कंडीशंस किस तरह की होती हैं, जैसे कई बार सूत्र में होता है कि इसके अर्थ में, इन द सेंस ऑफ, इस संदर्भ में, यदि कैटेगरी ए ऐसा है और कंटिन्यूस एक्टिविटी इंटेंडेड है तो ये होगा, ठीक है, तो ये कंडीशंस जो है इनको हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन यदि बहुत से ऐसे कंडीशंस हैं जहां पे हम कहते हैं कि कारक ये है, कर्म ये है, करण ये है, उसको डिफाइन करना
बहुत कठिन हो जाता है, इसके लिए हमें बहुत बड़े एंटोलॉजिकल डेटाबेस की आवश्यकता पड़ेगी और कई बार गैसिंग करना पड़ेगा, कई बार स्पीकर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा मशीन को समझने के लिए कि उसका इंटेंशन क्या है। यदि आप कह रहे हैं यदि आपका इंटेंशन ये था तो ये अर्थ होगा, नहीं तो ये अर्थ होगा। और जब हम दो ह्यूमन आपस से बात करते हैं तो हम इंटेंशन को गेस कर लेते हैं कई सारे अन्य चीजों से, क्यूज से। जब वो ऐसे बात करता है तो क्या मतलब होता है इसका, है कि नहीं है? उसकी स्पीकर का डेटाबेस हमारे मन में होता है, उसका बैकग्राउंड होता है, बहुत सी बातें होती हैं जो हम गेस कर लेते हैं। लेकिन मशीन यदि इंटरेक्ट कर रहा है ह्यूमन से तो उसकी सारी चीजें उपलब्ध नहीं होती, इसलिए समस्या आती जा रहा। तो कारक की बात हम थोड़ा सा करते हैं, समय कम है। तो कारक को पाणिनि ने तीन सेक्शंस में बताया है, और जो प्रॉब्लम कारक के बारे में वो बताना चाह रहा हूँ आपको। जी देखिए, जिसे हम कहें कि जिसे एजेंट है, करता है, स्वतंत्र है करता। आप कर्ता के स्वातंत्र को आप कैसे इंप्लीमेंट करें, कंप्यूट करेंगे? मैं फल खाने में सक्षम हूं, ये मेरी कैपेसिटी है, इसको कैसे आप कंप्यूट करेंगे? ठीक है, तो इन चीजों को अब कर्तृ को संप्रदान के रूप में इस्तेमाल करना, अब कर्तृ को कर्म के रूप में, कर्तृ कर्म फिर वार्तिक भी है इसमें, तो कई सारे मॉडिफिकेशन भी। अब जो कात्यायन का जो वार्तिक आया उन्होंने कई सूत्रों को लिमिट किया, एक्सटेंड किया, और वो स्पेशल कंडीशंस दिए, और कई एक्स्ट्रा संप्रदान देखिए। अब कर्मणा यम अभिप्रेति संप्रदान, मैं किसी को कोई गिफ्ट दे रहा हूँ, डेटिव केस मार्क करना है, तो मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, यदि गिफ्ट देकर उसको लेने की इच्छा ना हो वापस तो संप्रदान होगा, यदि मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूँ और कोई मैं बेनिफिट चाह रहा हूँ उससे तो संप्रदान नहीं होगा। ऐसी चीजों को इम्प्लीमेंट करना, और कर्म जो है कर्ता का इप्सिततम जो है वो कर्म होगा। इन चीजों को कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सब कठिनाइयां हैं उसमें। अब जो मुश्किलें आती हैं वो विवक्षा, जहां पे हम बात करते हैं कि हम क्या इंटेंशन हमारा है, और फिर उस सूत्र में जो वार्तिक ने कुछ, कात्यायन ने जो कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल दी हैं, और जो सिमेंटिक कंडीशन रूल की इम्प्लीमेंटेशन में, इन तीन चीजों में समस्या ज्यादातर आ रही है। इसको हम लोगों ने कुछ और क्लियर किया है कि हर इन तीनों कैटेगरीज को हम लोगों ने एक डेटाबेस तैयार किया है इसका, और फिर वार्तिक को मैं कात्यायन ने कैसे उसको एक्सटेंड किया वो भी किया है, डिटेल्स है सारा। अब बात करते हैं कुछ जो अनइम्प्लीमेंटेबल कंडीशन है, इसको भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, जैसे कर्ता का स्वातंत्र है, इप्सितम डिसाइड करना, साधकतम क्या है, लेकिन स्थाल्याम पचति है कि वो करता है कि करण है, अभिप्रेति हम किसको गिफ्ट देने जा रहे हैं, ये सारी भाषा में चीजें होंगी कि हम कहाँ पर डेटिव मार्क कर रहे हैं, कहाँ पे कहाँ पे अधिकरण कर रहे हैं, कहाँ पे कर्म कर रहे हैं, कहाँ पे करण कर रहे हैं। अब ध्रुम उपाय, अब रोबोट को कहो कि वहां से ही लेके आओ या किसी चीज को खींचो, तो जो फिक्स पॉइंट है वो उसको अपादान कहेंगे। तो जब तक तो उसको नॉलेज नहीं हुआ कि यहां से उसको लेना है, ठीक है, जहां पे सेपरेशन इंटेंडेड हो। अब मान लीजिए फोन टेबल पर रखा है तो टेबल से फोन को पिकअप कर आधार हो जाएगा वहां पे, तो आधार में और अपादान में क्या फर्क है इसे बताना पड़ेगा रोबोट को। अब सुझाव इसके लिए क्या है, अब जो संस्कृत और पाणिनि की अपनी जो शैली है उससे उससे हम इसको आगे बढ़े। संस्कृत में क्या टेक्निक्स है, पाणिनि में क्या टेक्निक्स है, और दूसरा है कि डीप लर्निंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर, दोनों तरीके से हम तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम संस्कृत की अपनी शैली की बात करते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि जो कारक के जो सूत्र हैं, अब कारक के सूत्र जो पाणिनि के हैं वो सारी भाषाओं पर लग सकते हैं, क्योंकि कारक सब में होता है, सारी भाषाओं में संबंध होते हैं, क्रिया का जो क्रिएटर एलिमेंट से संबंध होता है वो कारक होता है, सारी भाषा में होते हैं। यदि हम टेबल से रोबोट को कहें कि फोन को उठाओ तो हिंदी में कहें कि अंग्रेजी में कहें कि संस्कृत में कहें, उठाने की क्रिया तो वही होगी, तो इसको हम कारक से इंडिकेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा डेटाबेस, और सारे स्पेशल कंडीशंस जो पाणिनि दिए हैं वो स्पेशल कंडीशंस क्या सारी भाषाओं पर लगते हैं, कहाँ अन्य भाषाओं पर क्या स्पेशल कंडीशंस है, क्या लोग मार्क करते हैं, यू नो, तो सबको करके उस पाणिनि के शैली में हम इसको एक्सप्रेस करें। और हमने संस्कृत के लिए इसको डेवलप कर लिया है, और जो सिनोनिमी लेक्सिकॉन है, जैसे कि हम अर्थ जैसे इस सेंस में उस सेंस में हो, इसको भी हमें कैप्चर करना हो तो अमरकोश की आवश्यकता पड़ेगी, वो हमने अमरकोश को बना लिया है। अमरकोश को आगे मैं आपको दिखा सकता हूँ वेरी क्विकली, हमारा अमरकोश जो है
ये हमारा अमरकोश इंटरफेस है, जहाँ पर आप जो 25 कैटेगरी सेमेंटिक कैटेगरी उसकी है, हर एक कैटेगरी में एक क्रिएट किया हुआ है और उसकी शब्दावली यहाँ पर है। आप कुछ सर्च भी करें तो वो अमरकोश सारा सर्च करके हर एक शब्द का उसका फिर जो है वो मल्टीलिंगुअल ग्लासेस वो सिनोनिमी दे देता है। उसके बाद जो जो धातुएं हैं, हर भाषा में क्या होता है कि जो वर्ब्स होते हैं एक्शन होता है, क्योंकि कारक का संबंध एक्शन से होगा, एक्टिव वर्ब वर्ब से होगा, तो वर्ब की सिमेंटिक्स कैप्चर करना पड़ेगा। तो हमने वो कैप्चर किया हुआ संस्कृत में, पाणिनि ने जो धातु पाठ में शब्दों के धातुओं के अर्थ दिए हुए हैं उसको हमने कैप्चर किया हुआ है। हर एक धातु के अर्थ से उसके फॉर्म जनरेट होते हैं लगार वगैरह लग के, उसके बाद उसी फॉर्म को इस्तेमाल करके हम रिवर्स में उसको पार्स करते हैं। तो ये टेक्निक तो हमारी हो चुकी है। उसके बाद जो अब धातु पाठ है, रूल्स हैं, वो सब किया हुआ है। अब मशीन लर्निंग टेक्निक से हमें क्या करना पड़ेगा कि हम ये ग्रामर लेक्सिकॉन के तरीके से ना जाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर भाषा का टेक्स्ट लें, उस टेक्स्ट में हम डीपर कारका को मार्क कर दें। ये गूगल ऑलरेडी कर रहा है, गूगल हमारे एक स्टूडेंट वहाँ काम कर रहा था, उसने आगे बताया कि डिपेंडेंसी एलुडेशन हो रही है, हम हर वाक्य में जो शब्दों में आपस में डिपेंडेंसी होती है तो उसको वो ऑलरेडी मार्क कर रहे हैं टेक्स्ट में अपने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने कंपनियों के सहयोग से। बेंगलोर में भारतीय भाषाओं के लिए हो रहा है, अन्य जगहों पे भी हो रहा है, तो वो कर रहे हैं। और डिपेंडेंसी में पाणिनि डिपेंडेंसी बड़ी पॉपुलर है, पाणिनि डिपेंडेंसी, पाणिनि कारका कह सकते हैं, और एक टेस्टनीय डिपेंडेंसी भी है। उसके बाद उस डेटा से हम मशीन को ट्रेन करें उसको समझाने के लिए, तो हम इसको अप्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, सीधे कारक न देने के बजाय हम इनडायरेक्टली कारक दे रहे हैं। अब इसका एरिया, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा, देखिए सारे ही क्षेत्र जो AI के हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। जो हमने सिखा दिया कि भाषा को मशीन कैसे समझे, उसके डीपर रिलेशन को समझ ले, तो मशीन फिर हमारे कमांड्स को समझ पाएगी, हमारा काम कर पाएगी, जो मैं कहूँ वो मशीन करेगी। मैंने कहा कुछ, उसने कुछ कर दिया तो काफ़ी डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो जो मैंने मशीन को कहा समझ के वही काम करे तो मशीन काफ़ी उपयोगी होगा हमारे लिए। इससे मैंने उदाहरण दिया कि रोबोट्स को कहा कि भाई टेबल पर पुस्तक रखिए उसको उठा लाओ, मशीन उठा लाएगा, और कहूँगी टेबल पे फोन रखा है लेकिन फोन पुस्तक पे रखी है तो मशीन नहीं उठा पाएगा, क्योंकि फोन तो पुस्तक पे रखी है, टेबल पे नहीं रखी हुई। ये सारे संबंध आपको समझाना पड़ेगा मशीन को डिटेल्स में, कारक के जरिए और डिपेंडेंसीज के जरिए, तो ये सारी बातें हो पाएंगी। अब AI जो है ये इट हैज़ बीन इवॉल्विंग कॉन्स्टेंटली। मैंने बताया पहले कि AI में प्रॉब्लम क्या है कि तेजी से बदल रहा है। आज मैंने कोई मॉडल लिया, जैसे बर्ड का मॉडल लिया और उस पर मैंने कुछ चीज़ें बनाई, बाद में वही बदल गया, फिर हमारा जो सारा मेहनत जो है एक तरह से वेस्ट हो जाएगा। डेटा तो रहेगा हमारा लेकिन एल्गोरिथम वगैरह सारे बर्बाद हो जाएंगे, हमें फिर से करना पड़ेगा। तो अब जो पाणिनि का मॉडल जो है वो बदलता नहीं है और अब तक नहीं बदला 3000 वर्षों में, तो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा रिलायबल है, उसको लेके दे सकते हैं। तो पाणिनि का मॉडल स्टेबल रहा है, उसको हम लोग लेके आगे बढ़ सकते हैं, इसमें हमें ज़्यादा संभावना नज़र आती है। लेकिन पाणिनि का मॉडल एलोन ही नहीं, उसके साथ साथ संस्कृत के जो और संबद्ध मॉडल है, न्याय है, विशेष न्याय है, मीमांसा है, इसको आप लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा इसमें मैं अब जल्दी से कैसे हमारे जो शास्त्र हैं खासकर न्याय, उसको कैसे AI से कंपेयर कर सकते हैं। आप बहुत लोग संस्कृत वाले जानते होंगे कि प्रमा अप्रमा होती है, अप्रमा मतलब इनवैलिड नॉलेज, बहुत महत्वपूर्ण होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अप्रमा प्रमा तो है, इसी चर्चा आगे करेंगे हम, अप्रमा जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। अप्रमा में देखिए स्मृति को हम कहते हैं कि जो मेमोरी गैप्स है AI में उसको स्मृति कहते हैं। स्टैटिक मेमोरी होती है और डायनेमिक मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और जो गैप्स और नॉलेज में होता है उसको हम एक्स्ट्रा बूटस्ट्रैपिंग से उसको भरते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मशीन को ट्रेन किया किसी कॉर्पोरा पे, तो मशीन गलत आंसर दे रहा है, तो यानी कि उसके नॉलेज में गैप है, मेमोरी में गैप है, उसको हम क्या करते हैं, एडिशनल डेटा इंजेक्शन से उस गैप को भरते हैं आजकल की टेक्निक के जरिए। संशय जो है उसको हम एम्बिगुइटी रिजोल्यूशन AI में कह सकते हैं, एम्बिगुइटी रिजोल्यूशन। अब तर्क है, उसके कई सारे टाइप्स हैं, ह्यूरिस्टिक से हम कंपेयर करते हैं विशेष तरह के तर्क को। प्रमा पे आते हैं, खासकर मैं अभी समय नहीं तो मैं थोड़ा सा न्याय पे फोकस करूंगा। प्रमा के जैसे चार तरह के हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, और जैसे कि न्याय वाले सारों को मानते हैं चार बाग, कोई एक को मानता है, कोई दो को मानता है, और वेस्टर्न फिलोसफी आमतौर पर दो को मानता है प्रत्यक्ष को अनुमान पे, सारे वेस्टर्न फिलोसफी अलग अलग, वहाँ भी अलग अलग काफ़ी है। अब न्याय पे जल्दी से चलते हैं। ये मेरा जो पत्र है ये पेपर में पब्लिश्ड है, इसको आप पूरा वहाँ से ले सकते हैं क्रिएटिव फोरम जर्नल में, और उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। न्याय में प्रत्यक्ष को देखिए कि अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये है
कि क्वांटिटेटिव साइंस में प्रत्यक्ष का क्या इस्तेमाल है, क्योंकि गोल तो यही है कि आखिर मस्तिष्क काम कैसे कर रहा है। हम किसी चीज को देखते हैं, उससे हमारा साक्षात्कार होता है, फिर उसको हम जानते हैं। बच्चा को आप देखिए, तो बच्चे को गेंद दीजिए, गेंद को वो उठाता है, उसको हर तरह से फील करता है, उसको दांत से भी ये काटता है, कोशिश करता है, उसको गिराता है, तो उस ऑब्जेक्ट को एंटायरिटी में वो जानने का प्रयास करता है और ये नॉलेज सारा बिल्ड करता रहता है उसको, राइट। तो इसको कैसे हम देखेंगे एआई के पर्सपेक्टिव से, तो एक पुस्तक है जॉन एफ सोवा की आई थी 84 में, कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर्स, ये भी आईबीएम के एम्प्लॉय थे। उन्होंने पुस्तक में तीन बातें की हैं, आइकन, स्कीमा और परसेप्ट, कि हम इस ढंग से चीज़ों को करते हैं, बहुत सिमिलर लगता है प्रत्यक्ष से। तो ये टेम्पररी रिकॉर्ड रखते हैं सेंसरी इनपुट, जो हम जो हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उससे हम चीज़ों को देखते हैं, टेम्पररी रिकॉर्ड रखते हैं ब्रेन में। उसके बाद एक हमारे पास एक ब्लूप्रिंट होता है किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को बनाने का, तो ब्लूप्रिंट है और ये टेम्पररी रिकॉर्ड है, और परसेप्ट होती है जो उसके असेंबलिंग यूनिट्स होती हैं। तो असेंबलिंग यूनिट को हम स्कीमा के जरिए असेंबल करके ऑब्जेक्ट का निर्माण कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने किसी चीज़ को देखा, तो ब्रेन ने तुरंत उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया एक स्कीमा के जरिए, उसके ढेर सारे मिलियन से बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे वहाँ पे, उसको जोड़ के उसने तुरंत उसको असेंबल कर लिया और मैं कहता हाँ मैंने उसको देखा। हर चीज़ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक होती है वहाँ पे। तो सोवा का ये है कि बात करते हैं कैसे हम रिट्रीव करते हैं चीज़ों को, कैसे टॉप डाउन और मैच करते हैं, और व्हाट इज स्टिमुलस कॉन्स्टेंस, ये सारी बातें हैं। और अनुमान में जैसे कि गौतम का है, जयंत का है, और फिर कैसे एआई उसको प्रेडिकेट कैलकुलस के जरिए उसको कंपेयर करता है। न्यू फैक्ट्स कैन बी डिड्यूस फ्रॉम एक्सियम्स यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फरेंस सिमिलर टू वाज गिवन बाय गौतम। तो कैसे एक्सियम्स लीड्स टू थ्योरम्स, इसकी बात हम वहाँ पे कर सकते हैं, और उसमें पूर्ववत है, शेषवत है, हम इसकी बात नहीं कर पाएंगे अभी। ये जो सिंटैक्स है जिसे मैं बात कर रहा हूँ अनुमान की, तो ये लिस्प जो भाषा है इसको भी इस्तेमाल किया, अभी भी MIT इस्तेमाल करता है, जो मैकार्थी ने इसको डिज़ाइन किया था, उस जैसा सिंटैक्स हम इस्तेमाल अभी भी कर सकते हैं। ये उसी ऐसी लग रहा है सिंटैक्स, उसके लिस्प जैसा सिंटैक्स ही है। अब एनालॉजी भी है, उसका भी AI में इस्तेमाल है, और शब्द है जो भी NLP के लिए जो सबसे बड़ा है शब्द, हम लोग व्याकरण वाले शब्द को मानते हैं, और एक वो भी महत्वपूर्ण है कॉग्निशन का, बट न्याय इसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता। बहुत से लोग जो AI के कोर AI के हैं वो भी शब्द को महत्वपूर्ण मानते, तो एक जरिया हमारे पास है, लेकिन ब्रेन शब्द का ही इस्तेमाल करके सारा इनपुट करता है, ये बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं है अभी। तो शब्द पर काफ़ी डिस्कशन है, और आपको पता है कि इस बात पर वैयाकरण और AI को भी काफ़ी युद्ध होता है, शास्त्रार्थ होता है। तो शब्द को कैसे हम आर्टिफिशियली डिफाइन करते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट्स हैं, थियरीज हैं, और हम ऑर्डिनरी व्याकरण, फॉर्मल व्याकरण, कॉन्टेक्स्टुअल ग्रामर या उस तरह की व्याकरण से लेकर फिर हम फॉर्मल रूप शब्द को देते हैं, उसका इस्तेमाल हम करते हैं आगे। तो ये एक हमारा प्रयास था कि कैसे हम अपने शास्त्रों, खास के मैंने न्याय को बहुत संक्षेप में लिया है, मुझे लगता है इस पर एक विस्तार से 2-3 व्याख्यान करने पड़ेंगे तब चीज़ों को होगा स्पष्ट। तो एक न्याय है, मीमांसा है, इन चीज़ों को लेकर हम व्याकरण तीनों को कंबाइन करके आपस में जो अंतर विरोध है इसको कम करते हुए हम इसको लेके आगे बढ़े, और साथ में AI की टीम को रखें, यानी AI का टीम हो गया, कंप्यूटर साइंस की AI की टीम, लिंग्विस्टिक्स वाले टीम हो गए, साइकोलॉजी के भी लोगों को रख सकते हैं और शास्त्रों को रख सकते हैं, तो फिर बात आगे बढ़ेगी। तो अब जॉन मैकार्थी की बात मैंने की है, उसका उसकी बात उसके कोटेशन से हम इसको समाप्त करते हैं। तो जॉन मैकार्थी कह रहे हैं कि एक्चुअली AI में हमें चाहिए ऐसे प्रोग्राम्स विच कैन ट्रांसलेट नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट इनटू कलेक्शंस ऑफ सेंटेंसेस एंड मैथमेटिकल लॉजिकल लैंग्वेज। प्राकृतिक भाषा के वाक्य को मैथमेटिकल लॉजिकल लैंग्वेज में जो कन्वर्ट कर सके ऐसे प्रोग्राम चाहिए, और नव न्याय में ऐसा किया जाता है। नव न्याय की भाषा शैली में सारे वाक्य को तो नहीं कर सकती, तो भी अपडेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें टेक्निक शैली दी उन्होंने कि हम उसको कर सकते हैं। तो ये ऐसे प्रोग्राम चाहिए जो वो कन्वर्जन कर सके, तभी संभव हो पाएगा। अब नॉलेज उनके हिसाब से मोस्टली नॉट इनकोडेड इन लैंग्वेज, उनका कहना है कि नॉलेज जो है, ह्यूमन नॉलेज की बात जो करते हैं, मोस्टली भाषा में नहीं होती इनकोड, भाषा एक जरिया होता है, लेकिन ज्यादा चीजें और गैर भाषिक भी होती है, एक्स्ट्रा लिंग्विस्टिक भी होती है। नॉलेज
वो कह रहा है कि नॉलेज नीडेड फॉर पीपल टू स्पीक टू एंड अंडरस्टैंड ईच अदर इज मोस्टली नॉट एनकोडेड इन लैंग्वेज. इफ वी न्यू व्हाट इट इज बोथ एआई एंड लैंग्वेज वुड बी हेल्प. हमें पता चल जाए कि वो क्या है, इसमें नॉलेज एनकोड होता है. लैंग्वेज में थोड़ा सा होता है लेकिन ज़्यादातर लैंग्वेज में नहीं होता, तो वो क्या है और कैसे होता है. तो दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भाषा विज्ञान दोनों को इसमें मदद मिलेगी. अब जो मैथमेटिकल भाषा की बात वो रेफर कर रहे हैं, कैन बी इजिली कंपेयर्ड विद नवीन एआई और मीमांसा इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स, वो आप कर सकते हैं. और उसको यदि देखें इस दृष्टि से तो काफ़ी अच्छा रहेगा. इसलिए मैं कहता हूँ कि जो व्याकरण न्याय मीमांसा के को एआई और कंप्यूटर लिंग्विस्टिक्स से यदि के साथ मिलकर अध्ययन किया जाए, और ये संस्कृत विभागों में ही हो पाएगा, इसका यदि केंद्र संस्कृत विभाग रहे और बाकी विभाग मदद करें तो ज़्यादा इसमें सफलता मिल पाएगी. तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना और हम कुछ प्रश्न ले पाए. बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी. जी धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर. मेरे पास तो शब्द ही मुझे कम पड़ गए हैं, इतना आपने जो ज्ञान हमारे साथ साझा किया है और इतनी सारी उसके जो डायमेंशंस हैं, मुझे भी बहुत सारी स्पष्टताएं हुई हैं और बहुत सारी ऐसे विषय लगे हैं जो मुझे दोबारा से देखने पड़ेंगे ताकि इस पूरे कॉन्सेप्ट को इस को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के रूप में भी समझूं और उसको फिर प्रैक्टिस में भी उसको देखें. और बल्कि मैं जब आपके ये सारी प्रेजेंटेशन देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि संस्कृत के लोगों को हमें एक जैसे एक सीधे प्रशिक्षण दे देना चाहिए, उनको उनको हाथ पकड़ के ये काम करवाएं, फिर उनके साथ जो है वो थ्योरी जो है जब हम उनको सिखाने लगेंगे तब जाकर के मुझे लगता है कि वो एक यूजफुल उनके लिए हो पाएगा. अन्यथा उनके लिए ये टर्मिनोलॉजी एआई की टर्मिनोलॉजी और व्याकरण की टर्मिनोलॉजी को का तालमेल बिठाने में उनको दिक्कत आएगी काफ़ी. तो कुछ ऐसा सा प्रयास मुझे लगता है कि किया जाना चाहिए, एक चाहे ऑनलाइन ही हम करें, कोई ऐसा प्रशिक्षण शिविर जो है अगर आप लगाएं या अपने विभाग की ओर से कि भाई तुम करो जो आपको आदेश दिया जाएगा उसको करो, क्योंकि करने के बाद फिर ज्ञान दिया जाए तो मुझे लगता है वो ज्यादा सफल है. थ्योरी में थोड़ी कठिनाई आती है कि भाई पहले वो समझना, और क्योंकि उस तरह की ओरिएंटेशन नहीं होती, उस तरह के लिए तैयार भी नहीं होते. तो एक बार प्रक्रिया मुझे लगता है कि जैसे प्राचीन लोगों की होती थी कि भाई तुम समझो मत, अर्थ में मत जाओ, बस शब्द याद कर लो, सूत्र याद कर लो, फिर उसके बाद वो सब चलता रहेगा. तो कुल मिलाकर के आपने वाकई जो मैं अपेक्षा कर रहा था तदनुकूल आपने वो सारी बातें साझी की हैं, और मैं दोबारा इस सारी रिकॉर्डिंग को देखूंगा, एक बार समझूंगा दोबारा से, क्योंकि अभी भी वो कई सारी चीजें अभी निकल गई हैं. तो फिर भी हमारे प्रतिभागियों में से यदि किसी की कोई टिप्पणी है, कोई बात कहना चाहता है, कुछ संशय या संदेह है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. डॉक्टर साहब अभी बात कर सकते हैं. तो एक बीच में शायद प्रश्न था, एक जो अक्सर जो प्रश्न रहता है कि सुजाता जी आप कुछ कहना चाहती हैं. ओके लेफ्ट. मुझे ये लगता है कि क्या कभी ऐसी संभावना पैदा हो पाएगी कि हम नेचुरल लैंग्वेज के थ्रू ही प्रोग्रामिंग कर पाए. ऐसा प्रयास देखिए, सारे जो उन्नति हो रही है प्रोग्रामिंग में जी उसी तरफ हो रही है, क्योंकि शुरू में प्रोग्रामिंग भाषा जो बनी थी बड़ी कठिन थी जी. और प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल था. अब देखिए धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं, अभी जो नई पाइथन भाषा आई है और भी सरल है. तो प्रयास तो वही है कि किस तरह से हम धीरे धीरे प्राकृतिक भाषा पे ही आ जाए, लेकिन प्राकृतिक भाषा पे आने के बाद भी उसमें इतनी शक्ति हो कि जो बहुत सी बातें हम प्रोग्रामिंग के जरिए कंप्यूटर को नहीं समझा पाते वो समझा पाए. तो भाषा सशक्त भी होनी चाहिए, सिर्फ प्राकृतिक भाषा में प्रोग्राम कर ले और कंप्यूटर को सारी बातें ना कह पाए जो कि हम कहना चाहते हैं तो भी ठीक नहीं होगा. भाषा सशक्त भी होनी चाहिए. इसलिए संस्कृत की तरफ लोगों का इशारा है कि हम उसको ये दे सकते हैं, वो रूप प्रदान कर सकते हैं जी. मतलब मैं इस बात को शायद कुछ इस तरह से कहना चाह रहा हूँ कि मतलब प्रोग्रामिंग ऑलरेडी किसी उसमें हो,
सॉफ्टवेयर, और फिर हम जो कुछ भाषा बोलें कि इसके ऐसे रिजल्ट हो या उसको भी हम फिक्सअप करते हैं कुछ ऐसा सा, और वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उसके जो रिजल्ट्स है वो प्रोवाइड करे, कुछ ऐसा काम चल रहा है क्या? नहीं, नेचुरल टेक्स्ट को पार्सिंग का, इंटरप्रेशन का काम तो चल ही रहा है बहुत जगह, क्योंकि हर जगह आवश्यकता पड़ रही है मशीन को कि जब तक प्राकृतिक भाषा के टेक्स्ट को समझेंगे नहीं, उसको हम रिहैश या रिमॉडल नहीं करेंगे तो वो बात बढ़ेगी भी आगे डायलॉग वगैरह में। लेकिन इवेंचुअली गोल ये हो रहा है, हाँ जी, कि प्राकृतिक भाषा में ही कैसे हम ऑपरेट करें कंप्यूटर को। हाँ जी हाँ, ये इसलिए सीधे समझे प्राकृतिक भाषा को वो, और अभी तो वो प्राकृतिक भाषा को पार्स करता है इनडायरेक्टली और फिर समझता है, क्या वो सीधे प्राकृतिक भाषा में ही कमांड ले पाएगा? जैसे अभी हमारे एक छात्र कर रहा है कि संस्कृत से जावा को बूटस्ट्रैप कर रहा है, इंटरफेस कर रहा है, जिसे मैंने मास्टर्स में किया था अंग्रेजी से उसके लिए सीक्वल के लिए, तो वो संस्कृत से सीधे कर रहा है उसको। तो ये सारी चीजें हो रही है धीरे धीरे, अब उसमें सफलता में, क्योंकि बड़ा उपक्रम है, कई टीमों को उसमें मिलना पड़ेगा, और खासकर संस्कृत के जो लोग हैं जिसको व्याकरण में काफी गति है, ऐसे लोगों को जोड़ना पड़ेगा इसको। सर, हमारे साथ मैडम प्रोफेसर डॉक्टर सुमन प्रीत विर्क जी जुड़े हुए हैं, पटियाला यूनिवर्सिटी से लिंग्विस्टिक्स की हेड, और उन्होंने आपको, आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं, उनका सवाल भी देख सकते हैं लगभग बिल्कुल नीचे है। पांडे जी प्लीज स्क्रीन शेयर मत कीजिए, अनंत जी प्लीज स्क्रीन शेयर मत कीजिए। जी सर, आप देख पा रहे हैं सर? मैडम सुमन प्रीत जी का है, अब बता दें प्रश्न, क्योंकि वो बहुत सारे उन्होंने, मतलब ये है कि एक तो वो गाइडेंस की बात कर रही हैं और दूसरा IKWIC कैन हेल्प इन दिस फील्ड, प्लीज क्लैरिफाई व्हाट इज IK, क्या है इंडियन, क्या इंडियन नॉलेज वाली बात कर रही हैं? नॉलेज मैम, अगर आप अपने को अनम्यूट करके अगर ये थोड़ा सा सवाल क्लैरिफाई कर, दैट विल बी ग्रेट। मतलब इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रही हैं? हाँ जी हाँ जी, वो है तो यही। हाँ वो तो है ऑब्वियसली, पूरा व्याख्यान उसी पे था, लेकिन समस्या क्या है ना कि जो इंडियन नॉलेज को जानने वाले जो लोग हैं, हमारे 18 संस्कृत यूनिवर्सिटियां हैं। एक सेकंड सर, वो नरेंद्र जी एक सेकंड, डॉक्टर साहब अपनी ये बात क्लियर कर लें और उसके बाद आप अपनी बात रखें। इंडियन नॉलेज सिस्टम का तो उसमें योगदान है ही और रिकॉग्नाइज भी किया गया है, लेकिन मुश्किल क्या है कि जब हमारे पुस्तकों को पाश्चात्य भाषाओं में अनुवाद किया जाता है तो नई दृष्टि से उस पर काम होता है। हमारे अपने संस्कृति विभाग अपने करिकुलम को इनोवेट नहीं कर रहे, और अन्य विभागों से मदद जो लेकर आगे बढ़ने में ये बात है, वो कल्चर भी डेवलप नहीं कर पाया है। तो अब देखिए, हमारे JNU में हम लोग दो बातें कर रहे हैं, तो आयुर्वेद बायोलॉजी नाम से हमने BSc MSc की डिग्री देने का उपक्रम किया है संस्कृत विभाग में, क्योंकि कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है, और हम अब आयुर्वेद के संस्कृत शास्त्रों को बायोलॉजी की दृष्टि से यदि पढ़ना चाहें तो एक हमें बहुत बड़ा उपक्रम हो रहा है। तो ऐसी बातें करनी पड़ेंगी आपको, जब तक आप इसको इंटरफेस नहीं करेंगे आधुनिक शब्दावली में, आधुनिक शैली में और ज्ञान परंपरा में, तो फिर बात निकल के नहीं आ पाएगी, ये करना पड़ेगा। कोशिश तो है, बाकी अब बदलाव के लिए तैयार करना ये बड़ा कठिन काम है। नरेंद्र जी आप अपनी बात पूछ सकते हैं और फिर हम धन्यवाद की ओर चलेंगे। बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ कि बहुत ही सुंदर आज का ये कार्यक्रम रहा, ज्ञानवर्धक रहा, बाकी सभी कार्यक्रमों की तरह। इसमें मशीन और जो है उसके मनुष्य के संबंध की बात जब भाई साहब कह रहे थे, तो मुझे एक तो ध्यान में आता है कि जो शतरंज का खेल है उसमें मशीन ने मनुष्य को हरा दिया, एक जानकारी ये। दूसरा, इसका हम भविष्य क्या देख रहे हैं, जब हम आज जो मेरी समझ बनी है कि मनुष्य धीरे धीरे एक साइबोर्ग बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, शायद ये उसी दिशा में ही। भाई साहब को थोड़ी सी मैं चाहता हूँ इसमें क्या, इसमें देखिए टेक्नोलॉजी के हमेशा दो पक्ष होते हैं, एक तो जो पॉजिटिव पक्ष होता है और जिसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, दूसरा होता है नेगेटिव पक्ष और उसको मिसयूज भी लोग करते हैं। तो हमारे समाज में देखिए, खासकर शिक्षा में हमारे देश में, और स्वशासन में, गवर्नेंस में, और हेल्थ में, तीन यदि आप बेसिक एरिया लें, शिक्षा में मैं भाषा और संस्कृति को भी लाता हूँ,
तो बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या हम अपने सारे लोगों को जिनकी सैकड़ों मातृभाषाएं हैं उनमें शिक्षा दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा बिना कंप्यूटर के? आप बताइए, क्या एक स्कूल में जहाँ पे बच्चे कई मातृभाषा से आते हैं उनमें नहीं पढ़ा पाते उनकी मातृभाषा से, बिना टेक्नोलॉजी संभव नहीं है? तो हमारे देश की, या आप हमारे पार्लियामेंट में देखिए, हर भाषा भाषी के लोग हैं, सारा डिस्कशन कमिटीज अंग्रेजी में होता है, डॉक्यूमेंट अंग्रेजी बनते हैं, वहाँ की आवश्यकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आवश्यकता है, हेल्थ में आवश्यकता है। तो हमारे देश के लिए तो इसका एक बहुत पॉजिटिव आस्पेक्ट है। लेकिन यस, ऐसे भी लोग होंगे जो इसको मिसयूज भी करेंगे, टेक्नोलॉजी मिसयूज भी होता है टेक्नोलॉजी का, और ओवर डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी पे, यदि हमें आवश्यकता नहीं है फिर भी हम उसका इस्तेमाल करते रहे तो फिर हम जिस आपने बताया साइबॉर्ग बनने वाली बात हो जाती है। तो दोनों ही पक्ष होता है इसका, मिसयूज भी हो रहा है, सही बात है जी। एक विशाल शर्मा जी का प्रश्न है, इन द अर्लियर टाइम वी हैव कृत्य रोबोट्स बेसिकली इन राजा भोज टाइम्स, सो हाउ कैन वी गेट दैट नॉलेज और रिसर्च एट द टॉपिक ऑन द टॉपिक और रिबिल्ड दैट नॉलेज? कृत्य रोबोट, अब ये तो नई बात मैंने सुनी है, लेकिन राजा भोज के टाइम में कई इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आ रही हैं। एक सर्जरी के बारे में उनका एक आया है कि उनको ट्यूमर था और कैसे लोगों ने उसको स्कल को काट के हटा के निकाला और उनको एनेस्थीसिया जैसी कोई चीज दी। अब ये सब चीजें किताब में तो है, अब ये जब तक उसको हम पढ़ेंगे नहीं इन पुस्तकों को और एक नई दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे तो बात कैसे निकल के आएगी? अब ये यदा कदा बात से आप बता रहे कृत्रिम रोबोट की, मुझे देखना पड़ेगा क्या है ये जब होश की जगह पे के पुस्तक में कौन सी ऐसी बात आई है। हमारे यहाँ तो विमान शास्त्र जैसी बातें भी थी, काफी चीजें थी, अब इन चीजों को पढ़ाना चाहिए ना हमारे करिकुलम में। डॉक्टर साहब, शायद ये बात हो सकती है कि सिंहासन पुतलिका जो है 32, कि सिंहासन में जो पुतलिकाएं हैं वो उस राजा से प्रश्न करती हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन करती हैं राजा भोज के, शायद ये उसको रेफर कर रही होंगी। अच्छा, ये मैं कह सकता। हाँ, हम आजकल जो आगे की बात कर रहे हैं कि हम अपने आप को होलोग्राम के जरिए, अभी आपने 6G और 5G वगैरह का आप देखा होगा कि एक आपने देखा होगा मशीन अनुवाद, जैसे मान लीजिए मैं लेक्चरर हूँ, मैं भी टीचर, मैं अभी दे रहा हूँ, मैं भी हिंदी में व्याख्यान दे रहा हूँ और मेरा उसने होलोग्राम क्रिएट करके दक्षिण में तमिल भाषा में मेरा ट्रांसलेशन कर दिया, मैं वहाँ पर तमिल मैनरिज्म में तरीके में अब तमिल में भाषा वही बात वही किया। जी, जी, जी। इन सब बातें अभी हो रही हैं और आगे इन चीज़ों पर काफ़ी डिपेंडेंस होगा। जी जी, मुझे लगता है कि कल्पना के घोड़े हमें पूरे खुले छोड़ने चाहिए संस्कृत वालों को और फिर साइंस जो है उसको फॉलो अप करेगी। आज तक यही हुआ है कि कल्पना के पीछे पीछे जो है कल्पना को सत्य से करने में ही विज्ञान का सारा जोर लगता रहा है और वो किया है, तो ये मुझे लगता है कि अच्छा सुझाव है। और आपके प्रश्न को हम क्रिटिकल थिंकिंग के एरिया में लेंगे जब क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर काम करेंगे या वर्कशॉप करेंगे। तो यदि किसी और का कोई टिप्पणी या किसी का संशय है या कोई इसमें ऐड अप करना चाहता है, नहीं तो मैं डॉक्टर नीरज जी को आमंत्रित करूंगा के लिए। आप सभी का वो धन्यवाद करें, डॉक्टर साहब का धन्यवाद करें और फिर उसके बाद हम एक आध सूचना के साथ समाप्त करें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि किसी का जी जी मैडम नीरज, आप धन्यवाद ज्ञापित करें और उसके बाद फिर हम इस सभा को समाप्त करेंगे। नमस्कार सर। जी जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, प्रोफेसर गिरीश जी का धन्यवाद करना तो सर बड़ा छोटा शब्द प्रयोग करना है उनके लिए। और मैं सर अभी ना पार्टिसिपेंट लिस्ट में देख रही थी कि सर का एक स्टूडेंट है कबीर खननबा, वो हमारे साथ में, और मुझे लगता है कि किसी भी टीचर या शिक्षक की सफलता उसी में होती है कि यदि उनका विद्यार्थी भी उनके दिए गए मार्गदर्शन से एक उच्च मुकाम पर पहुंचता है। और सर मैं इसकी साक्षात दर्शिका हूँ, कभी और शगुन मैडम जो हैं इनके दोनों स्टूडेंट्स हैं और ये मेरे पास डिपार्टमेंट में सर 1 वीक की इन्होंने वर्कशॉप लगाई थी दोनों ने। और जब इन्होंने वर्कशॉप लगाई तो शाम का समय था और इनकी इंटरव्यू थी सर शायद अगले दिन सुबह ना 9 बजे इंटरव्यू थी, तो वो पहुंच नहीं सकते थे JNU वापस। तो उस समय गिरीश सर ने इनकी ऑनलाइन इंटरव्यू करवाई थी और उसमें कभी खनन भाग का सिलेक्शन हुआ था।
जी एज ए कंप्यूटेशनल संस्कृत का कोई फील्ड था, स्कॉलरशिप फील्ड या फंडिंग थी, उसमें उनका स्विट्जरलैंड में सिलेक्शन हुआ था। मैं सर अपने कृतज्ञता ज्ञापन करने से पहले चाहूंगी कि कभी खाननबा जो है यहाँ पर है वो दो शब्द जरूर बोलें मोटिवेशन के लिए हम सब पार्टिसिपेंट के, यदि वो अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं। कभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? कभी जी जी सुन पा रहे हैं जी, अगर आपकी अनुमति हो तो वो 2 मिनट आप प्लीज प्लीज जरूर विल लव टू हियर। धन्यवाद जी। सर आप यदि उसे अनम्यूट कर दें कभी को। नहीं नहीं अनम्यूट खुद ही कर लीजिए। यस यस ही हैज अनम्यूटेड हिमसेल्फ। जी अनिवा जी वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। नहीं मुझे लगता है कि या तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक मिनट सर मैं देखती हूँ। डिस्कनेक्ट ही हो गए क्योंकि मेरी स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहे। जब तक वो कनेक्ट होते हैं आप लोगों के हमने फीडबैक लिंक जो है वो डाल दिया हुआ है, कई बार उसको रिपीट कर दिया है तो देख लीजिएगा, भर लीजिएगा उसको। और बहुत सारे लोग जुड़ नहीं पाए, मैं नहीं जानता कि क्या कारण है, जबकि ये ऑटो उस पे था एडमिट पे, तो अलग अलग लोग जुड़ते रहे हैं बीच में। जी अभी जुड़ गए हैं सर। जी 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 कभी खन हेलो एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। ओके धन्यवाद मैम, आपने इस बीच में मेरा नाम लिया, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। या मैं गिरीश जी के गिरीश सर के अंदर में पीएचडी मेरा अभी होने वाला है, अभी मेरा चौथा साल चल रहा है, इसका एंडिंग है। और जिस समय मैं नीरज जी के वो वर्कशॉप करा उस समय मेरा अभी ये स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में सेमेस्टर के एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मैंने बद यूनिवर्सिटी से उसका इंटरव्यू होने मैं जाना नहीं पा रहा था, तो सर ने मेरे गुरु जी ने यहाँ से रिकॉर्ड करवा के मेरे टेलीफोनिक इंटरव्यू भी हो पाया था, तो सिलेक्शन हुआ था। और उसी दौरान मैं 6 महीने एक सेमेस्टर कोर्स करके यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से कंपोजिशन आया हूँ। और अभी मैंने जो अभी दिया था जिस पीएचडी जिस विषय पर मैं काम कर रहा हूँ जावा संस्कृत का, जो कि एक तरह के जो संस्कृत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब आप संस्कृत कर पाएंगे ऑलमोस्ट इस तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। को भी धन्यवाद और आशुतोष सर भी धन्यवाद। आशुतोष सर शायद आपको याद नहीं, आपने ही मेरे एमफिल का शायद किया था, तो मणिपुरी पर मैंने काम किया था। थैंक यू सो मच, पूरा ध्यान बहुत खूबसूरत। धन्यवाद मैम को भी धन्यवाद, सर आशुतोष सर को भी धन्यवाद। ठीक है सर, इन्हीं सब शब्दों के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को पूर्ण करते हैं। और वाकई हम सभी के लिए ये एक बहुत अच्छा एक्सपोजर रहा है। होता क्या है कि ज्ञान के इतने सारे क्षेत्र हैं कि मनुष्य की जो बुद्धि की क्षुद्रता है वो सबको समेट नहीं पाती, सहेज नहीं पाती अपने में, तो इसलिए कई बार कई विषय ऐसे होते हैं जिनको हमें समेटने के लिए, उसको दोबारा से सिंथेसाइज करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए
हमें विद्वानों की आवश्यकता होती है कि उनकी बात को हम समझें, देखें, उनके व्यक्तित्व को देखें। दर्शन और श्रवण दोनों ही चीजें होती हैं जिससे कि नॉलेज जो है वो इंटीग्रेट होती रहती है। तो डॉक्टर गिरीश्वर जी, गिरीश कृष्णा झा जी एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं और ऐसे ही ज्ञाता और बुद्धा हैं जिनको देख करके हमारे जो अंदर ज्ञान के अलग अलग टुकड़े हैं वो आपस में जुड़ते हैं, समन्वित होते हैं, वो सिंथेसाइज होते हैं। तो इसलिए कई बार मन तो सुन करता है कि बार बार उनको सुने और उनके साथ काम करने का मौका मिले कि हम उनके साथ टिकें और देखें, प्रशिक्षण लें और फिर प्रशिक्षण से हम ज्ञान की ओर अग्रसर हों। क्योंकि इस वक्त हमारी सबकी स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं जहां पर ज्ञान के चक्कर में प्रशिक्षण हमारा पीछे रह जाता है और तालमेल नहीं बनता है। तो मुझे लगता है कि अगर संस्कृत में इस विषय में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग और थ्योरी, अगर ये दो चीजें हम लागू कर पाए किसी तरह से, तो संस्कृत के लिए भविष्य की संभावनाएं बहुत उभर सकती हैं। तो इन्हीं सब अपेक्षाओं के साथ मैं डॉक्टर गिरीश नाथ झा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आभार तो कम है, आप समझ सकते हैं, मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, आप अपने प्रति मेरे आदर भाव को जानते हैं कि आपसे तो मैंने सीखा ही है। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा शब्द नहीं कह सकता, लेकिन जो कार्य आप कर रहे हैं वो वाकई हम सभी के लिए गर्व करने की बात है। और हम प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन वही है कि इतने बड़े सिस्टम के बीच में हम अपने क्षेत्र में बैठ करके जितना कर सकते हैं बस उतना ही कर सकते हैं, लेकिन लोगों को बदलना बड़ा कठिन है। परिवर्तन लाना बहुत कठिन काम है। बहुत सारे प्रयास किए हैं, असफलता अधिक है, लेकिन फिर भी ये है कि वो रिकग्नाइज तो हो ही रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। संभावनाएं विद्यमान है हमारे पास और आप उन संभावनाओं को हमेशा एक दिशा देते रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़े ही फख्र की बात है और सकारात्मक हमारे लिए बात है। तो जो लोग जुड़े रहे हैं हमारे साथ, जिन्होंने धैर्य पूर्वक सुना है, समझा है, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और परसों जो है वो सूचना देकर के, परसों की सूचना कि हम संस्कृत शास्त्रों के आधार पर जो मेंटल हेल्थ का जो मॉडल है, अप्लाइड मॉडल, उसके ऊपर बातचीत करेंगे प्रोफेसर मिश्रा जी, जो वीसी रहे हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के। मूलतः वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, लेकिन संस्कृत में बड़ी गहरी उनकी पकड़ है। तो वो आप लोगों के साथ, हम सभी के साथ बातचीत करेंगे कि संस्कृत शास्त्रों के आधार पर जो अप्लाइड मॉडल ऑफ मेंटल हेल्थ है वो क्या है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ एक बार फिर आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। आप सभी लोग अब मीटिंग छोड़ सकते हैं। और विनोद जी, आपका विशेष रूप से आभार कि आपने ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया, अन्यथा मेरे लिए ये काफी कठिन था काम। थैंक यू सो मच। यदि किसी ने कोई बात मेरे से पूछनी हो या कहनी हो तो आप मुझे